चले परसेंटेज कह रहे थे राइट परसेंटेज में कल एक कुछ क्वेश्चन बताया था हमने अच्छा बिल्कुल जीरो आ जाइए बिल्कुल जीरो वाले क्वेश्चन बताए थे ना एग्जाम एग्जाम वाले यानी छोटे छोटे क्वेश्चन हमने आपको बताए थे और आप लोग कर लिए थे राइट तो आज दो तीन चार क्वेश्चन और छोटे छोटे लिखना शुरू करिए ऑनलाइन ऑफलाइन सभी सभी ऑनलाइन बच्चों का भी स्वागत है तो शुरू किया जाए राइट लिखे जैसे एक ऐसे क्वेश्चन सुन लीजिए और मुझे ओरल पहले, पहले बता दीजिए पहले कॉन्सेप्ट सुन लीजिए पहले ऐसे क्वेश्चन सुने तब बताइए फिर लिखाऊंगा जैसे मान लिया जाए कि मैं आपसे कहूं कि एक परीक्षा है ना उसे पास करने के लिए तीस परसेंट नंबर चाहिए कितना परसेंट उसे पास करने के लिए तीस परसेंट नंबर चाहिए कि अगर वो तीस परसेंट पाएगा तो पास हो जाएगा राइट मैंने कहा कि इस परीक्षा में ना एक कैंडिडेट को एक नंबर मिला कितना नंबर और वो फेल हो गया एक सौ नब्बे नंबर पाया और वो फेल हो गया क्या हो गया अब आप बता सकते हैं क्या कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है यहां बता सकते हैं क्या नहीं आप नहीं बता सकते क्योंकि परीक्षा को पास करने के लिए तीस परसेंट नंबर चाहिए था अच्छा और पाया कितना एक सौ नब्बे नंबर पाया और फेल हो गया तो कैसे पता चलेगा कि तीस परसेंट की वैल्यू क्या है मेरे पास मेरे तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे नहीं बता पाएंगे अब इसके चार ऑप्शन होंगे पहला ऑप्शन होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता या पहले, पहले दूसरे तीसरे में एक पहला भी एक क्वेश्चन दे देगा मान लीजिए कि दे देगा कि 900, दूसरा दे, दे, दे देगा 800, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता और यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता समझ रहे ना और चौथा होगा ना मतलब कांट रिटरमाइंड और चौथा जो होगा ना आंकड़े अपर्याप्त हैं आंकड़े अपर्याप्त हैं यानी डेटा इनसफिशेंट है तो क्या होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं या फिर निर्धारित नहीं कह सकता आंकड़े बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें कुछ आंकड़ा और होना चाहिए तभी हम कर पाते तो आप ऑप्शन देंगे क्या आंकड़े अपर्याप्त हैं क्लियर चले बहुत अच्छा लगा अब मैं आपसे कहूंगा कि वह 190 नंबर पाया और 20 नंबर से फेल हो गया अब बता सकते हैं परीक्षा का चलेगा कि परसेंट नंबर चाहिए था पास करने के लिए हमसे पूछ रहा है परीक्षा का पुरान? मैक्सिम मार्क्स राइट मैक्सिम मार्क्स कितना होता है हंड्रेड परसेंट कितना परसेंट पाया कितना है सॉरी कितना चाहिए था तीस परसेंट पाया कितना 190 पाया और फेल किससे हुआ इसका मतलब यह है कि वो पास तब होगा जब 190 नंबर में 20 नंबर और मिला देंगे है ना तो यानी पास करने के लिए हमें कितना नंबर चाहिए यानी अगर वो 210 नंबर पाए तो पास हो जाए मेरी बात समझ आ रही है 210 नंबर पाए तो पास हो जाए और पास होने के लिए कितना चाहिए यानी कहीं ना कहीं तीस परसेंट की वैल्यू ही दो है एक कितना आएगा सात और हंड्रेड परसेंट क्लियर लिखे क्वेश्चन लिखे एक परीक्षा को पास करने के लिए एक परीक्षा को पास करने के लिए 36 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता पड़ती है टू क्वालिफाई एन एग्जामिनेशन टू क्वालिफाई एन एग्जामिनेशन 36 परसेंट मार्क्स इज रिक्वायर्ड एक परीक्षा को पास करने के लिए छत्तीस प्रतिशत अंकों की आवश्यकता पड़ती है लिखा इस परीक्षा में इस परीक्षा में एक परीक्षार्थी को इस परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 250 अंक प्राप्त हुआ इन दिस एग्जाम अ कैंडिडेट गॉट 250 मार्क्स इन दिस एग्जाम अ कैंडिडेट कैंडिडेट गॉट टू फिफ्टी मार्क्स तथा वह परीक्षा में अड़तीस अंकों से असफल हो गया एंड ही फेल्ड इन एग्जाम बाय थर्टी एट मार्क्स तथा वह परीक्षा में अड़तीस अंकों से असफल हो गया एंड ही फेल्ड इन एग्जाम बाय थर्टी एट मार्क्स लिखा देन कैलकुलेट द मैक्सिम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन परीक्षा के पूर्णांकीकरण किसे परीक्षा के पूर्णांक की गणना किस क्लियर अब बता दीजिए कितना आएगा पूर्णांक ऑनलाइन बच्चे भी जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो सब जल्दी आंसर दे दें अगर किसी को आ रहा हो तो जल्दी जल्दी आप लोग भी आंसर दें ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑफलाइन वालों से बिल्कुल सही इसका मतलब यह हुआ कि ये किस परसेंट है ये किसके बराबर दो 288 सौ के बराबर राइट right? तो 36 परसेंट की वैल्यू 288 सौ अट्ठासी एक परसेंट कितना आठ और 100 परसेंट आठ सौ परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा आठ सौ क्लियर यहां तक बात क्लियर हो गई बोले चले इसका मतलब यह है कि जो परीक्षा है परीक्षा को परीक्षा का जो पूर्णांक है मैक्सिम मार्क्स हंड्रेड पास करने के लिए कितना चाहिए था छत्तीस ना टू क्वालिफाई पास करने के लिए उसे चाहिए छत्तीस परसेंट पाया कितना पाया कितना 250 नंबर पाया फेल कितने से हुआ 38 नंबर से फेल हुआ इसका मतलब पास होने के लिए इसे जोड़कर मिलाना चाहिए तो पास करने के लिए कितना चाहिए दो सौ अट्ठासी नंबर चाहिए हाँ या नहीं और पाया कितना है चाहिए था कितना 36 परसेंट तो 36 परसेंट की वैल्यू दो क्लियर एक परसेंट की वैल्यू निकालेंगे तो बड़े 36 हो जाएगा 36 का पढ़ा नहीं आता नौ का पाड़ा नौ से काटेगा चार से काटेगा तो आएगा आठ कितना आएगा आठ और हंड्रेड परसेंट की वैल्यू आठ सौ यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना आठ सौ मेरे पास मेरे यानी छोटी छोटी क्वेश्चन अब हम कर पाएंगे है ना मैं एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे देता हूँ ऐसे बता दीजिए मुझे कि क्या होगा सबको समझ आ रहा है ना किसी को डाउट तो नहीं ना चले अब जैसे मान ली मैं आपसे कहूं कि एक परीक्षा है उसे पास करने के लिए 30 परसेंट नंबर चाहिए थे ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है कितना परसेंट नंबर चाहिए था 30 परसेंट नंबर चाहिए था एक कैंडिडेट है उसे 250 नंबर पाया कितना नंबर पाया और मैं आपको बताऊं कि 250 नंबर पाने के बाद उसे परीक्षा पास करने के लिए जितना नंबर चाहिए था उससे सत्तर नंबर ज्यादा पाया सत्तर नंबर अधिक पाया अब आपको बताना है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा तो आप कहिए कि देखिए सर आप कहिए कि देखिए सर पाया है 250 कितना पाया है 250 और कह रहा है सत्तर नंबर ज्यादा पाया 250 पाने के बाद यह कह रहा है कि जितना पास करने के लिए चाहिए था उसे सत्तर नंबर ज्यादा पाया इसका मतलब कहीं ना कहीं दो में अगर सत्तर हम घटाएं तो कितना एक सौ यानी पास करने के लिए एक नंबर चाहिए और कितना परसेंट चाहिए इसका मतलब तीस परसेंट की वैल्यू एक सौ अस्सी एक परसेंट कितना हो जाएगा छह और हंड्रेड परसेंट छह सौ तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे इस क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और यहीं से ले लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन एक समझिएगा लिखना नहीं खूब अच्छे समझ देखिए समझ में आ जाएगा ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी मैंने आपसे बताया कि आप देख रहे होंगे कैसे कैसे मैथमेटिक्स चल रही है बहुत आसान हो जाएगी बहुत अभी भारी भारी क्वेश्चन देखेंगे बड़ा इजी हो जाएगा जैसे मान ली मैं आपसे कहूं कि दो कैंडिडेट हैं एक परीक्षा में कितने कैंडिडेट हैं एक को मिला है तैतीस परसेंट नंबर पाया ही है कितना पाया 30. और ये फेल हो गया है और ये फेल हो गया सत्ताईस नंबर से कितना नंबर से 30. एक इसे तैतीस परसेंट नंबर मिला और 27 नंबर से फेल हो गया बता सकते हैं क्या कि पूर्णांक कितना है नहीं, नहीं। यहां से यह नहीं बता सकता क्लियर वही जो दूसरा कैंडिडेट है उससे मिला है फिर मान के चले थोड़ा सा और चौवालीस परसेंट नंबर कितना परसेंट या 45 परसेंट लेते हैं उसे पैंतालीस परसेंट नंबर पाया है। कितना पाया है 50. और अब उसे जो परीक्षा पास करने के लिए चाहिए था समझ रहे मेरी बात है और बोलो yes, सही है परीक्षा पास करने के लिए उसे जो चाहिए था वह उस नंबर से इक्यासी नंबर ज्यादा पाया कितना पाया इक्यासी नंबर भैया ज्यादा पाया इक्यासी नंबर अधिक पाया अब हमें पूछ रहा है कि बताइए परीक्षा का पूर्णांक अब अब हम बता सकते हैं। अब हम बता 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 सकते 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 हैं 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 ना कैसे समझो कि पूर्णांगे तैतीस परसेंट नंबर पाया और यह 27 नंबर से फेल हो गया और यह 45 परसेंट नंबर पाया और इक्यासी नंबर ज्यादा पा गया तो हमसे पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक बता दीजिए है ना तो कैसे करेंगे कि एक करने का तरीका तो यह है कि नंबर में अगर हम इसे नंबर दे दें कि तुम नंबर ले लो तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा एक बात ध्यान रखना भी है कि ये 33 है सत्ताईस नंबर है दोनों जुड़ेंगे नहीं ऐसा ना हो कि आप जोड़ ना यह परसेंट है यह नंबर है तो अब यह पास हो गया कहा गया पास सपोज करे मान ली ये, ये सेंटी नहीं होना है लेकिन है ना ऐसा करें, करें फिल करा दिया हाँ सपोज करिए नंबर पाई, दोनों का, इन दोनों का यह सर, तैतीस नंबर पाई, दोनों तो इन का सर, तैतीस नंबर और मैंने का एग्जाम हुआ सर से फेल हो गई तो सत्ताईस से, कितने से तो मैंने क्या, मैं क्या कहा कि अरे यार बड़ा गड़बड़ हो गया अगर सत्ताईस नंबर और पाती है ना इसके अंदर और पाती तो पास हो जाते यह मेरे पास आती है मैंने इनसे पूछा कितना नंबर पाई इन्होंने पैंतालीस परसेंट सर मैंने क्या हुआ इन्होंने कहा सर जितना पास होने के लिए चाहिए था ना, उससे इक्यासी नंबर आगे चली गई कितना yes. मैं इनसे क्या कहूंगा देखिए बहुत उछलिए मत अगर इक्यासी नंबर कम पाती तो कहां आ जाती ना फेल नहीं होती अगर इक्यासी नंबर कम पाती तो पास की बाउंड्री पर आ जाती फेल नहीं होती क्योंकि पास होने से जितना चाहे तो उससे इक्यासी नंबर ज्यादा यानी पास की बाउंड्री से इक्यासी नंबर आगे तो यह क्या होता कि अगर इक्यासी नंबर कम पाती तो कहां जाती पक्का तो यानी अगर 45 मैं इनसे कहूंगा देखिए बहुत उछलिए मत अच्छा लिएतालीस पैंतालीस परसेंट में अगर इक्यासी नंबर कम मिलता तो कहां आ जाती कहा पास की बाउंड्री पर और यह कहां है यह भी पास की बाउंड्री पर है यह कहां है दोनों बराबर हो गए यही है इसका सोलूशन तो 45 में 33 जाएगा कितना मिलेगा बारह देखिए ये इधर है कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस तो 45 में 33 जाए कितना जाएगा 12 अब जरा देखा जाए कि जब हम इसे इधर लाए तो इसे इधर लाना पड़ेगा 27 और इक्यासी क्या होगा जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा सत्ताईस इक्यासी कितना होता है एक होता है बोले यानी बारह की वैल्यू कितनी 108? एक सौ कितना नौ और हंड्रेड परीक्षा का पूर्णांक नौ ये तो रहा बोर्ड की बात है ना मैंने आपसे कहा ओरल सीखिए ओरल सीखना है अच्छा जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे ये लोग भी थोड़ा सा बताएं कि ये लोग हैं सो ही नहीं है उसमें थोड़ा सा यह सार नो करके थोड़ा सा आप लोग भी बताएं मुझे कि आप लोग हैं और समझ में आ रही बात है ना चलिए ओवरऑल कैसे कहेंगे समझिए सपोज करें देखिए यह सारी की सारी ना एक इमेजिनेशन इमेजिन करो कि सपोज करो यह बाउंड्री लाइन है पास की किसकी इधर से कोई चल रहा होगा अगर ऐसे ऐसे चलता चलता आएगा यहां आएगा तो पास हो जाएगा इसके पहले रहेगा तो हाँ नहीं मुँह खुल के अच्छा ये जो लोग मास्क लगाएंगे अगर सर्दी नहीं हो तो मास्क नीचे करिए सर्दी जुकाम नहीं है ना जिससे सर्दी जुकाम वो नहीं नीचे करेगा तो यहां से चलते चलते आएगा और बोल रहा है मुँह खुल के है ना यहां से चलते चलते अगर आएगा यहां पर आ जाए तो क्या हो जाएगा इसके पहले हो जाएगा तो इसके बाद चला जाएगा तो ज्यादा पास हो जाएगा राइट अब जरा देखा जाए पहले वाला पहला वाला क्या है तैंतीस परसेंट नंबर पाया फेल हो गया तो इसका मतलब बाउंड्री लाइन से पहले तैतीस परसेंट कितना परसेंट दूसरा वाला पैंतालीस परसेंट पाया पास हो गया तो बाउंड्री लाइन से बाहर यहां 45 परसेंट यहां 33 यहां 45 यहां 33 परसेंट यहां 45 परसेंट दोनों के बीच कितने बीचेंट अंतर है बारा। बोलो बारा। पक्का पहला वाला क्या है कि 27 नंबर से फेल हुआ इसका मतलब बाउंड्री लाइन से 27 कदम पीछे रह गया 27 नंबर पीछे रह गया और दूसरा वाला इक्यासी नंबर ज्यादा पाया इसका मतलब बाउंड्री लाइन से कदम आगे चला गया एक व्यक्ति यहां से सत्ताईस कदम पीछे और एक व्यक्ति यहां से इक्यासी कदम आगे तो दोनों के बीच कितने कदम का अंतर है 108. आठ इसका मतलब 27 नंबर पीछे और 81 नंबर आगे इसका मतलब यह हुआ कि अंतर 108 का हो गया परसेंटेज अंतर कितने का था 12. नंबर में कितने का 108. 12 परसेंट की वैल्यू 108. 1 आठ परसेंट नौ और 100 परसेंट ऐसी सोचना है इज दट क्लियर लिखे क्वेश्चन लिखे एक परीक्षा को पास करने के लिए एक परीक्षा को पास भैया रुक रुके ऐसा मतलब एक परीक्षा को पास करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लिखिएगा एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को सत्ताईस प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को सत्ताईस प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ तथा वह परीक्षा में तथा वह परीक्षा में तथा वह परीक्षा में तिरसठ अंकों से असफल हो गया तिरसठ अंकों से असफल हो गया जबकि लिखा भैया जबकि परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी को परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ कितना 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ तथा वह परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक अंकों से आवश्यक अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किया अट्ठाइस अंक अधिक प्राप्त किया लिखा भैया तो परीक्षा के गणना के, के बहुत अच्छा तो है तथा दूसरे परीक्षार्थी को परीक्षा में चालीस प्रतिशत चालीस ना चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ तथा वह परीक्षा पास करने के लिए निर्धारित अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किया तो परीक्षा के की गणना कीजिए है ना अब इंग्लिश में लिखेगा इन एन एग्जामिनेशन in an examination a candidate got a candidate got 27% marks and failed by 63 marks failed by 63 marks while second candidate got 40 marks and he got 28 marks more टू क्वालिफाइड कैलकुलेट द मैक्सिम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन पहले एक बार ओरल बता दीजिए सॉल्यूशन अच्छा जो ऑनलाइन वाले बच्चे ये लोग भी भैया अपना सोल्यूशन बताए थोड़ा सा तो पहले ओरल इसका सोल्यूशन बताइए सब लोग सब लोग जुड़े पहले परसेंटेज अंतर बताइए सत्ताईस और चालीस का अंतर तेरह एक बार तिरसठ नंबर से फेल हुआ है पहला और दूसरा तो का का तेरह नंबर में अंतर कितने का इक्यानवे तो तेरह परसेंट वैल्यू इक्यानवे सात और हंड्रेड परसेंट क्लियर बहुत अच्छा समझ में आ गया सबको अब देखें करने का तरीका देखें पहला और दूसरा पहले को कितना मिला सत्ताईस परसेंट सत्ताईस परसेंट पाया और फेल हो गया क्या हो गया कितने नंबर से दूसरे को कितना मिला चालीस परसेंट नंबर पाया और अधिक पाया अट्ठाईस नंबर अच्छा मेरी बात समझ में आ रही है ना चलिए तो दोनों को अगर पास कराना हो तो कैसे कराएंगे सत्ताइस परसेंट में तिरसठ क्या करेंगे प्लस कर देंगे और अगर इसे पास पर लाना हो तो 40 परसेंट में अट्ठाईस क्या कर देंगे पक्का अब जरा देखा जाए दोनों पास पर आ गए दोनों बराबर हो गए अब इसे इधर लाएंगे तो 40 में 27 घटेगा तो कितना मिलेगा बोले इसे इधर लाएंगे तिरसठ में 28 जुड़े कितना मिलेगा इक्यानवे एक, एक परसेंट की वैल्यू बटे 13 13 सतह इक्यानवे यानी एक, एक परसेंट की वैल्यू सात इज दट क्लियर तो 100 परसेंट चाहिए ना परीक्षा का पूर्णांक yes, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है 100 परसेंट कितना सात उम्मीद करता हूं छोटे छोटे क्वेश्चन अब आ गए क्लियर किसी कोई डाउट क्लियर yes, हो गया ना yes, चले बेटा हर चीज आप कल थे, थे क्यों अच्छा अच्छा कोई बात नहीं देखिए हम लोग मानते हैं कि हर चीज अपने आप में सौ परसेंट है ना कितना परसेंट देखिए जैसे मुझे लगता है कि कुछ जो बच्चे लेट हो जाए ना तो वो रिकॉर्डिंग क्लास तो मिलती होगी है ना नहीं मिलती मान ली कि आपका कोई यहां सब जाने पहचाने वाला तो होगा ना नहीं किसी से दोस्ती मुस्ती कलिया करिए और बता बहन कैसी हाँ ठीक है तो नहीं ऐसे बता दीगा और बता बहन कैसी है सुन तो लीजिए जैसे बोला हम लोग भाई कहाँ से हैं यूपी से नहीं है क्या कहाँ से हैं हाँ तब दिल्ली वाले बेचारे हम लोग यूपी वाले हैं भाई ट्रेन में सफर से करते करते मित्र बना लेते हैं सपोज करो सामने वाले कितना इंप्रेस कर देते हैं कि वो मालिक कुछ खाने के लिए पूछा तो कहता है कि भाई साहब आप भी ले लीजिए ना ना हम खा के आए उसके बाद कहते लाओ अच्छा थोड़ा सा आप मित्र हो गए तो और अगर वो चार पराठे लाए तो तीन हम मार देते हैं नहीं वो थोड़ा थोड़ा खाता है ना तब तक हम मार देते हैं तो आप समझिए कि हम ऐसे लोग हैं भाई एक चीज और समझिए एक तो हिंदुस्तानी yes, दूसरा नॉर्थ इंडियन yes, तीसरी यूपी yes, है ना तो यूपी बिहार वाले हम कहां भी रहते हम ट्रेन में बताइए पांच सात घंटे के सफर में खूब अच्छे से या कर लेते हैं yes, और बता कैसा है भाभी जी कैसी है yes, चलो तो इस तरह से जैसे जब लेट आए तो किसी से और बहन बता हाँ बता क्या क्या पढ़ा है तो सब हो जाएगा चले खेर देखा जाए हर चीज हमने कताना हंड्रेड परसेंट तो परीक्षा का बेटा हर चीज जो भी आपको समझ में आए किसी भी चीज की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई गहराई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य परीक्षा का पूर्णांग चुनाव में डाला गया मत लाभ हानि जितना भी चीज समझ में आए हर चीज कितना परसेंट हंड्रेड परसेंट तो पूर्णांग भी हंड्रेड परसेंट हो जाएगा क्लियर जब हंड्रेड परसेंट हो गया तो हमारा अच्छा अब ये हो गया कि हर चीज हंड्रेड होता है पूर्णांग भी हंड्रेड हो गया तो किसी भी तरह अगर एक परसेंट की वैल्यू हम पा जाए ना तो हम

इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं कितने कैंडिडेट हैं पहला और दूसरा अब आप मुझे बताइए कि सपोज जैसे इलेक्शन आपसे पूछूंगा जैसे मान लीजिए दिल्ली में इलेक्शन हुआ जो मैं कर रहा हूं इसे आप सुनेगा और हाँ नहीं करके बताएगा ये कैसे भाई सब शांत है ऑनलाइन वाले सब ऐसे रहते हैं चैट चैट भी नहीं करते चलिए कोई बात नहीं नहीं कर रहे हैं तो बहुत तो अच्छा है उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे है ना समझ में आ रहा होगा सबको आप लोग भी समझे सपोज करिए कि मान लिया जाए कि दिल्ली में इलेक्शन हुआ और मैं आपसे कहूं कि दिल्ली में सत्तर परसेंट वोटिंग हुई कितना परसेंट इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है दिल्ली की जितनी जनसंख्या है उनमें से तीस परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला यह बात सही है गलत सही है गलत एक बार फिर से सुने दिल्ली में सत्तर परसेंट वोटिंग हुई बहुत सेंटी होकर आंसर मत दीजिएगा कि सही है गलत है। सोचकर आंसर दीजिएगा कि दिल्ली में सत्तर परसेंट वोटिंग हुई और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली की जितनी भी पॉपुलेशन है जितनी भी दिल्ली की जनसंख्या है उसके तीस परसेंट लोगों ने अपना वोट नहीं दिया यह बात सत्य असत्य चले क्या है अच्छा आप ये भी हाँ आप क्या करिए तो क्या ये गलत है ये बात जो मैंने बोला ये गलत हो सकता है अच्छा ठीक है आप आप कुछ बोल रहे थे आपने बोल दिया सुन लिया हाँ नहीं, नहीं नहीं फाइनल हो गया हाँ हाँ तो इसका मतलब तीस परसेंट पॉपुलेशन ने वोट नहीं दिया सही बात है एग्जैक्टली exactly, बहुत अच्छा लगा जैसे उन्होंने कहा कहा बहुत अच्छा लगा यानी इसका मतलब ये नहीं पॉपुलेशन ने तीस परसेंट जनसंख्या वोट नहीं दी यह गलत बात है पहले वोट कौन देता है ये समझना है आ, बहुत अच्छा चलिए ठीक है तो आइए समझिए जैसे अब क्या होता है कि जो बोटिंग होती है बोटिंग में बोट को पहले यह समझा जाए कि जैसे कहा जाए तीस परसेंट बोटिंग नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ पहले बोट करता कौन है वोट वह करता है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है है ना हम लोग क्या हैं कि जिसके पास वोटर आईडी ना वोटर आईडी वाले वोट नहीं करते जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है तो जिसका नाम वोटर लिस्ट में वो वोट करेगा तो जो वोटर लिस्ट में होता है उन्हें हम टेक्निकल टर्म में इलेक्शन के टर्म में रजिस्टर्ड वोटर कहते हैं पंजीकृत मतदाता क्या कहते हैं इसका मतलब जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं उसके 30 परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया क्लियर मतलब गया? चले बहुत अच्छा अब मैं आपसे कहूंगा तो समझ जाना है कि सपोज जैसे मैं कहूं कि दिल्ली बिहार यूपी में इलेक्शन हो रहा है और यूपी में 60 परसेंट वोटिंग हुई 40 परसेंट वोट नहीं लोगों ने वोट नहीं दिया इसका मतलब वहां के वोटर लिस्ट में जितने लोग थे उसके 40 परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया पॉपुलेशन नहीं है ना तो पॉपुलेशन वोट नहीं देती है तो समझ आएगा कि इलेक्शन से हम पॉपुलेशन की गणना नहीं करते क्वेश्चन में पूछेगा कि एक चुनाव में इतने इतने मतदाताओं ने मत दिया इतना ऐसा हो गया बताइए कि वहां की जनसंख्या क्या थी तो आप कह दिए कि जनसंख्या निर्धारित नहीं की जा सकती बात समझ आ रही है दो कैंडिडेट हैं अब यह बताइए कि मैं आपसे कहूंगा कि एक चुनाव में जो मत डाला जाता है वह कितना परसेंट होता है कितना परसेंट होता है 100%. कितना परसेंट मैं आपसे कहूंगा एक चुनाव में एक उम्मीदवार को पहले उम्मीदवार को छप्पन हुआ कितना और सेस मत जो रेस्ट है ना जो डाला गया मत है डाले गए मतों का डाले गए मतों का यानी कास्टिंग बोर्ड्स का किसका कास्टिंग बोर्ड्स का जो भी कास्टिंग बोर्ड था तो कास्टिंग बोर्ड कितना पक्का डाले गए मतों का छप्पन परसेंट मत पहले उम्मीदवार को प्राप्त हुआ और जो दूसरा है इसे मिला, मिला? वह हार हार हारा है चौरासी हजार वोट से हार गया अब आपको बताने कि उस चुनाव में कितने मत डाले गए तो आप देखिए सर डाले गए मत कितने परसेंट है

तो हार और जीत के अगर का अंतर देखे तो हम देख रहे हैं बारह परसेंट से हारा है कितने परसेंट से हारा है क्योंकि पहले को कितना मिला है छप्पन दूसरे कितना मिला है तो दूसरा वाला हार गया कम पाया है कितना परसेंट कम पाया बारह इसका मतलब बारह परसेंट से हार गया बोलो हाया नहीं और कितने मतों से हारा है इसका मतलब बारह परसेंट की वैल्यू चौरासी हजार एक परसेंट की वैल्यू कितना हजार सात हजार चौरासी में बारह से भाग दे देंगे कितना हजार सात हजार एक परसेंट की वैल्यू सात हजार हंड्रेड परसेंट सात लाख चुनाव में सात लाख में डाला गया नहीं क्लियर yes, yes. एक क्वेश्चन लिखे लिखे सेवेंटी थर्डी करो नहीं वो तो जानने के लिए बताने के लिए पूछा था कि क्या क्या होता है ना ये तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन था लिखिएगा इन एन इलेक्शन इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 54% votes of casting votes. 54% votes of casting votes. While second candidate got rest vote, and he failed in exam. And he failed in exam. Sorry, in election, and he failed in election by. 32,000 votes by वोट्स votes, then calculate the वोट्स of votes cast in election. Hindi कास्ट इन इलेक्शन हिंदी में लिखेगा एक चुनाव में पहले उम्मीदवार को एक चुनाव में पहले उम्मीदवार को डाले गए मतों का पहले उम्मीदवार को डाले गए मतों का चौवन प्रतिशत मत प्राप्त हुआ चौवन फिफ्टी फोर चौवन प्रतिशत मत प्राप्त हुआ तथा शेष मत तथा शेष मत दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुआ तथा शेष मत दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुआ दूसरा उम्मीदवार बत्तीस हजार मतों से चुनाव हार गया हो या दूसरा उम्मीदवार बत्तीस हजार मतों से चुनाव हार गया हो तो चुनाव में कुल कितना मत डाला गया कितना चालीस हजार ने तो चुनाव में कुल कितना मत डाला गया आ गया भैया तो इसका सलूशन देखिए इसका सलूशन देखिए कास्टिंग बोर्ड्स कितना होता है बताइए बोले चले कास्टिंग बोर्ड्स होता है हंड्रेड परसेंट क्लियर कितना परसेंट हंड्रेड परसेंट तो जो कास्टिंग बोर्ड्स होता है यानी डाला गया मत कैसा मत डाला गया मत कितना परसेंट पहले को कितना मिला कितना कह रहा है दूसरे कैंडिडेट को ना शेष मत मिला कैसा मिला yes. रेस्ट सेस। तो यह सौ में चौवन चला गया तो कितना यानी छियालीस परसेंट मिल गया yes. दूसरा वाला जीतेगा हारेगा yes. दूसरा वाला क्या करेगा जीतेगा हारेगा हारेगा पक्का पहले को चौवन मिला दूसरे को छियालीस तो यह हार जाएगा जो विन पहला वाला विन करेगा दूसरा वाला लूज कर जाएगा जो जीत और हार हुई वह कितने परसेंट हुई है कितने परसेंट से क्योंकि ये चौवन पाया और ये छियालीस पाया इसका मतलब चौवन और छियालीस का अंतर है ना कितना मिला आठ परसेंट और क्वेश्चन में कह रहा है बत्तीस हजार मत उस हार गया कितने हजार से यानी यह बत्तीस हजार मत है ना वोट यह, यह कहां से मिला यह दिया है यह क्या है दिया, दिया है मेरी बात समझ में आ गई इसका मतलब हमारे हिसाब से आठ से जीत और हार हुई है कितने हुई है हमारे हिसाब से आठ परसेंट से जीत और हार हुई है और क्वेश्चन में कह रहा है से चुनाव हार गया कितने हजार? इसका मतलब एक परसेंट की वैल्यू आ गई चार हजार हाँ या नहीं अब आपसे कह है कितने मत डाले गए तो कितना परसेंट मत डाला जाता है कितना परसेंट हंड्रेड परसेंट मत डाला जाता है इसका मतलब हंड्रेड परसेंट की जो वैल्यू है वह चार हजार गुणित सौ कितना चार, चार लाख कितना लाख यानी चुनाव में चार लाख मत डाला गया कर सकते हैं चलिए कर जाइए हो गया भैया अच्छा सभी बच्चे नौ बजे नहीं आ पाते ना बहुत आप लोग बहुत दूर से आते हैं अच्छा अच्छा दूर वाले बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है ना चले क्लियर हो गया सबको सबको क्लियर हुआ अब मैं आपको नेक्स्ट लिए चलता हूं इसे कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे सब लोग चले लिखे नया हेडिंग लेंगे लिखेंगे प्रतिशत के नया टॉपिक है परसेंटेज का नया टॉपिक लिखेगा प्रतिशत के आधार पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस ऑफ परसेंटेज प्रतिशत के आधार पर आधारित प्रश्न एक नया टॉपिक है इसे खूब अच्छे समझना है प्रतिशत के आधार पर आधारित प्रश्न यह नया टॉपिक है यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन बेस ऑफ परसेंटेज प्रतिशत के आधार पर आधारित प्रश्न अभी इस बात को खूब अच्छे से समझना है देखिए फार्मूला नहीं चाहिए ना फार्मूला नहीं चाहिए ना फार्मूला याद नहीं करना है ना कॉन्सेप्ट चाहिए समझ आ स्वगार्य मेरी बात तो अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो खूब अच्छे से एक बार समझना पड़ेगा सब लोग जुड़े मेरे साथ जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहा कि देखिए अगर यह तीन बड़े पांच लिखा है क्या लिखा है इसे क्या कहते हैं अंश कहते हैं यानी इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं इसे क्या कहते हैं हर डिनोमिनेटर कहते हैं एक बात और मैंने आपसे कहा था इसे हम आधार भी कहते हैं क्या कहते हैं बेस मेरी बात समझ आ रही है हर yes, इसका मतलब एक बात समझ जाना है कि जब भी कभी बेस की बात आए आधार की बात आए तो हमें यह समझ जाना है कि भिन्न का हर है नीचे वाले की बात हो रही है क्लियर और मैंने कहा कि हर चीज अपने आप पे कितना परसेंट तो एक भी कितना परसेंट दो कितना बहुत अच्छा बेटा जब एक हंड्रेड है तो दो होगा कि 200 परसेंट तीन कितना होगा कितना होगा पक्का ना अब देखिए जरा कि चार बटे पांच कितना होगा तो चार बटे पांच सौ पक्का तो पांच हम सौ बीस अस्सी परसेंट होगा है ना हमने बताया था कि अगर एक की वैल्यू दिया रहे एक से ज्यादा का पूछे या कम का पूछे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं कल बताया था अब जरा देखा जाए कि यह क्या है यह भिन्न है क्या है और भिन्न को प्रतिशत में बदलना हुआ तो सौ से मल्टीप्लाई कर लिया सौ परसेंट से तो में बदल गया में? एक चीज निकल कर आया कि यानी अगर कहीं भिन्न दिया हो और अगर इसे परसेंट बदलना है तो सौ परसेंट से मल्टीप्लाई कर सौ से या सौ परसेंट एक ही बात तो यह प्रसन्द बदल जाता है हाँ या नहीं बताइए यह दो बात आपको रट जानी है यानी फ्रैक्शन इन टू हंड्रेड परसेंट दिस इज कोल्ड टू परसेंटेज क्लियर लिखे से लिख लीजिए सब लोग जल्दी से लिखे लिखे लिख लिया भैया कोई डाउट चले अब यहां से क्वेश्चन करते हैं पहले समझिए थोड़ा सा सबको समझना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बड़ा इजी हो जाएगा जैसे मान ली मैं आपसे कहूँ कि मेरी उम्र 40 साल है कितनी साल है और आपकी उम्र 25 साल है आप मुझसे छोटे हैं कितने छोटे हैं पंद्रह साल यह पता कैसे चला माइनस करके पता चला किसमें से क्या माइनस किया अच्छा चालीस माइनस किया तब पंद्रह है ना अच्छा आपने चालीस माइनस क्यों किया अच्छा एक बात समझते हैं बीस बीस माइनस पंद्रह बराबर पांच ही क्यों आता है सात क्यों नहीं आता चार क्यों नहीं आता पांच ही क्यों आता है ये बीस माइनस पंद्रह बराबर पांच इसका मतलब किसी ने दे दिया किसी ने कहा देखो पांच ही होता है नहीं 네. तो इसका मतलब हमें आ गया छब्बीस माइनस पंद्रह में छह भी तो आ जाना चाहिए था सात भी तो आ जाना चाहिए था चार भी आ जाना चाहिए आया ही नहीं चार नहीं nah? चले खैर मैं आपको बताता तो इसका मतलब क्या पहले समझिए जैसे मेरी उम्र कितनी है चालीस साल है नेचुरल हाँ है बहुत अच्छा प्रकृति ने दिया था तो समझो नेचुरल हर चीज उसे कहते हैं जिसे प्रकृति ने दिया है तो हम ये नंबर उम्बर तो प्रकृति ने नहीं दिया था कि दिया था नंबर प्रकृति ने नहीं दिया है किसने दिया किसने दिया हमने बनाया है नंबर किसने दिया हमने दिया है प्रकृति ने बनाया आइए मैं आपको बताता हूं समझ जैसे मान लिया जाए जानवर तो पढ़े लिखे नहीं होते उसे गांव में एक कुतिया ले लो है ना थोड़ी देर के लिए मान लो और कुतिया के चार पिल्ले कितने पिल्ले मान ली एक कुतिया ने चार पिल्ले दिए और कभी आप एक काम करिए उसमें से एक पिल्ला हटा लीजिए और देखिए कुतिया आती है तो एकदम खुजती है कहां गया कहां गया कुतिया को मैं तो नहीं आती लेकिन इसने चार पिल्लों में एक पिल्ला गायब था तो तीन पिल्ला जब उसे मिला तभी खुज रही कहाँ गए कहां गए परेशान हो जाती कभी हमने देखा होगा इसका मतलब तो कुतिया को भी पता था कि चार थे तीन बचे चार माइनस तीन बराबर एक गायब नहीं मैं गलत कर रहा हूं क्या गलत कर रहा हूं अरे काउंटिंग तभी तो, तो पता चलेगा अगर अगर उसे काउंटिंग नहीं आती तो नहीं पता चलना चाहिए था अगर उसे पता चल रहा है तो इसका मतलब तो उसे काउंटिंग आती है और काउंटिंग आती तो उसे आदमी ने तो, तो सिखा नहीं होगा अरे बोलो इसका मतलब तो ये नेचुरल है क्या है चले हेंस प्रूफ आए यहां की बात करते हैं आप लोग हाँ तो मैं आपसे क्या कर रहा था कि जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 40 साल है और आपकी उम्र कितनी है 25 साल है हुआ क्या कि आपने मेरे उम्र को बेस मान लिया जो मैं अब ये समझेगा यही बात एग्जैक्ट है आपने मेरे उम्र को बेस मान लिया चालीस साल और अपनी उम्र को कंपेयर किया तो आपने देखा कि चलते चलते यहीं आकर रुक गया पंद्रह साल नीचे ही है इसका मतलब आप मुझसे पंद्रह साल छोटे हैं मेरे पास में आ रही सपोज करें अगर आप तीस साल के होते तो दस साल छोटे हो जाते अगर आप चौवालीस साल के हो जाते तो इसका मतलब आपने मेरे उम्र को बेस मानकर अपनी उम्र को कंपेयर किया होगा देखा होगा ये चार साल ऊपर आ गया Is that clear? इसका मतलब मेरा उम्र बेस माना तब आपने बताया कि आप मुझसे कितने छोटे हैं, बात सुना रही सपोज करिए कि कल मैं बाजार गया था खूब अच्छे से समझना है कल मैं बाजार गया था और बाजार गया माले सेब खरीदने क्या खरीदे और सेब का मूल्य चालीस रुपए किलो था कितना रुपए किलो था और फिर आज मैं बाजार गया सेब खरीदने तो आज सेब का मूल्य अड़तालीस रुपए किलो हो गया कितना रुपए किलो हो गया अड़तालीस रुपए किलो हो गया कल कितना था आज कितना हुआ क्योंकि यूक्रेन से वार हो रहा है रशिया का है ना दो 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 दो। बहुत बुरा हो रहा है बात सही है कि बड़ा मुश्किल हो गया ना सोचिए कि अच्छा एक ऐसा ताना एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम भारी भारी आदमी मतलब यहां तो लड़ाई कैसे पता है जैसे आप इतने बड़े हैं और एक दो तीन साल के बच्चे से लड़ रहे हैं है ना उसमें भी आप दबंगाई दिखा रहे हैं बोल क्या बोलेगा है ना चले तो सेब का मूल्य कल चालीस रुपए किलो था आज अड़तालीस हो गया तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि सेब का मूल्य कितना बढ़ा तो आप कहेंगे सर आठ रुपए बढ़ा कितना रुपए बढ़ा कैसे पता चला आपने चालीस को आधार मानकर अड़तालीस को कंपेयर किया होगा हाँ या नहीं? नहीं इसका मतलब कितना रुपए बढ़ा बताओ यानी जो ग्रोथ हुआ है वह आठ रुपए का हुआ है अच्छा आधार किसे माने किसे माने तो आधार का मतलब भिन्न का हर नीचे वाला हा या नहीं yes, और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है तो गुणित क्या कर देंगे हंड्रेड क्या कर देंगे इन टू हंड्रेड कर देंगे मेरी बात समझ आ रही है yes, आठ पंचे चालीस पांच बिशम सौ यानी बीस परसेंट का ग्रोथ हो गया है yes, क्लियर हा या नहीं yes, कल सेब का मूल्य कल सेब का मूल्य आजय कल सेब का मूल्य तीस रुपए किलो था कितना रुपए किलो कल सेब का मूल्य तीस रुपए किलो था और आज सेब का मूल्य घटकर चौबीस रुपए किलो हो गया कितना रुपए घटा अब इसका मतलब मूल्य में कमी हुई yes, बोलो हां या नहीं yes, अब जरा देखा जाए कि अच्छा देखे कल तीस था आज चौबीस तो कितना रुपए घटा छीस वाला मूल्य पता था अगर कल वाला मूल्य पता नहीं होता ना तो आप नहीं बता सकते थे कितना बढ़ा कितना घटा यानी कल वाला मूल्य जो आरंभिक मूल्य था जो इनिशियल प्राइस था उसी को हमने बेस माना है। क्या माना है 그렇지, बेस यानी जो कल वाला मूल्य होता है जो आरंभिक मूल्य होता, आरं होता है जो प्रथम में होता है जो आरंभ में होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं बेस इसका मतलब हमने इसे बेस मानकर देखा कि यह चौबीस हो गया तो कितना घटा किस आधार पर आधार तीस हो गया चौबीस पक्का थीज़। सिंपल सी बात है बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा सिंपल सी बात है कि अच्छा पकड़ लिया आप लोग तो इंटू कितना हंड्रेड छह छह पंचे तीस कितना परसेंट मेरी बात समझ आ रही कोई डाउट क्लियर अभी बात समझिए कि जैसे मैं आपसे कहूं इसे खूब अच्छे समझ में आ जाएगा ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी मैं आपसे कहूंगा कि कल सेब का मूल्य चालीस रुपए किलो था कितना आज पचास हो गया कितना बढ़ा किस आधार पर दस बढ़े चालीस आधार नहीं भूलना है मेरी बात समझ रहे ना अगर आधार नहीं भूलेंगे तो मैथ तो समझे पूरा पूरा परसेंटेज सॉल्व हो गया यहां से तो कितना रुपए बढ़ा दस किस आधार पर दस बढ़े चालीस गुणित कितना सौ पक्का पच्चीस परसेंट कितना परसेंट क्लियर कर लेंगे हम लोग चले आगे बढ़ते हैं समझिए अच्छे से जैसे मान लिया जाए कि मैं आपसे कहूं कि कल मैं बाजार गया था बेटा समझिए खूब अच्छे से कल मैं बाजार गया था सेब खरीदने कहा क्या कहा गया था बाजार गया था सेब खरीदने मैंने कल से वाले से पूछा भैया सेब कैसे दिए तो उसने कहा चालीस रुपए किलो ले कितने रुपए किलो इसका मतलब यह हुआ कि कल थोड़ा थोड़ा बोला करें मेरे साथ आप लोग जैसे लगता है देखे मैंने आपसे कहा कि मैं बिल्कुल ऐसा फील करा ना कि लग रहा है कि आ रहा है नहीं नहीं भी आ रहा तभी बोलो हाँ नहीं है ना और एक चीज और समझे जैसे मैंने आपसे कहा कि खूब यहां जब सीख लेंगे देखिए अगर शर्म किए कल से लगातार मुझे लग रहा दो तीन दिन क्लास हो गए मेरे और तब से मैं प्रवचन भी बहुत दे रहा हूँ देखिये करे हूँ ये प्रवचन था तो लगातार आपको यह संभाल रहा हूँ लगातार इसलिए बता रहा हूँ कि सफल होने के लिए आगे बढ़ने के लिए और कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ पाने के लिए शर्म छोड़ना पड़ेगा कि सपोज आपके मन में यह नहीं आना चाहिए करे मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो दूसरा क्या सोचेगा क्लासरूम में इफेक्ट क्या जाएगा बिजती होगी अरे भाई क्लासरूम वाला आपकी फीस थोड़ी दिया है है ना आपके सपनों को साकार करने के लिए क्लासरूम वाला थोड़ी प्रमोट क्लासरूम वाला तो खुश होगा फेल हो हो जाओगे तो खुश आपको पता है सब हमारी सफलता पर सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है आपको पता है कि नहीं जैसे देखो जब आप सफल हो जाते हैं तो दोस्त कहता नहीं चल आज पार्टी कर दारू सारू पीता है पता है क्यों दारू पीता है क्योंकि बहुत तकलीफ है अरे मैं कह रहा हूं सत दोस्त होता क्या है किसा कैसे पिता है न नहीं वो इसलिए पिता वो बता तो सकता है नहीं कि तुम ये मेरा दोस्त है मुझे बुरा लगा मुझे तकलीफ है वो इसलिए पिता है कि सब फिट हो जाए इसलिए नहीं पीता खुश है वो एक चीज समझिए कि आपकी सफलता वो सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होती तो आपके परम मित्र को होती है क्या यार ये तो निकल गया और अगर आप फेल होते तो सब ज्यादा खुशी मुझसे होती है ठीक है अंदर पहले सामने भले से बड़ा गड़बड़ हुआ लेकिन अंदर से ठीक हाँ, हुआ <laughs> चल सही बात है ना इसलिए आप बिल्कुल अगर एक भी अगर जैसे, अगर जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको चार बारह नहीं आता तो मुझसे पूछे है ना और अगर इस तरह आप पूछेंगे तो मैं सिखा दूंगा मेरी गारंटी कल सेब का मूल्य चालीस रुपए किलो था मैं बाजार गया था तो मैंने नहीं लिया आज मैं गया सेब वाले के पास तो मैंने कहा भैया सेब कैसे दिए तो उसने कहा सर पचास रुपए किलो कितना रुपए किलो आपको समझ में आ गया कि सेब का मूल्य बढ़ गया मैंने उससे कहा कि काम करो ना कल आप चालीस में दे रहे थे आज चालीस में दे दीजिए दे तो उसने मुझे एक काम कहा कि सर आप मुझे बताइए कि जो मेरा बढ़ा हुआ जो मैं कह रहा हूं सुने अच्छे से कि जो मेरा बढ़ा हुआ मूल्य है यह बताइए कि मैं अपने इस बढ़े हुए मूल्य में कितने परसेंट की कमी करूं कि मैं आपको अपने आरंभिक मूल्य में दे दूं इसका मतलब सेब वाला ये दुकानदार कहना चाह रहा है कि सर आप ही बता दीजिए कि पचास रुपए में जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसे कितना परसेंट डाउन करूं कि मैं आपको 40 में दे दू? है नहीं? तो पहले हम यह देख सेब कहां से कहां मिलेगी पचास से मिलेगी चालीस में यह मूल्य बढ़ा हुआ है तो घटा यानी मूल्य में कमी करनी पड़ेगी कितना कम करेगा किस आधार पर पचास क्यों हाँ बेटा अब ये समझना है क्यों क्योंकि कल मूल्य कितना था आज कितना हो गया आज वो मैं, मैंने उससे कहा कि भैया आज भी ना मुझे चालीस में दे दो तो आज वो मुझसे कहा कि सर आप मुझे बताइए कि मैं अपने बढ़े हुए मूल्य में जो हमारा बढ़ा हुआ मूल्य है उस बढ़े हुए मूल्य में कितने परसेंट की कमी करूं जिससे कि मैं अपने आपको कल वाले मूल्य पर दे दूं है ना तो कल वाले मूल्य पर दे दूं यानी पचास आज पचास रुपए है आप बता कि इसमें कितना परसेंट डाउन करूं कि यानी चालीस में आपको दे दूं तो मूल्य कहां से कहां जा रहा है पचास से चालीस पचास से चालीस तो कितना घटेगा दस किस आधार पर याद रखिएगा यह कहां से कहां जा रहा है पचास से चालीस जा रहा है पचास से चालीस तो गुणित कितना सौ हाँ या नहीं कितना परसेंट बीस परसेंट क्लियर अगर मैं आपसे पूछता कितना परसेंट मूल्य बढ़ा था तो कितना बढ़ा कितना था मूल्य कैसे दस रुपए बढ़ा था किस आधार पर गुणित सौ यहां तक बात क्लियर हो गई yes. बोलो हाँ या नहीं yes, sir. पक्का अब कोई डाउट कर सकते हैं yes. अभी क्वेश्चन आएगा लिखना नहीं समझते हैं मैं आपसे कहूंगा कि एक वस्तु का मूल्य समझना भैया एक वस्तु का मूल्य नहीं यही तो बात है ना तो कि जैसे मैथमेटिक्स में वाई से वर्षा नहीं होता बेस अलग हो जाता है ना जैसे जैसे मान लिया जाए कि आप मुझसे आपकी मेरी उम्र चालीस साल है आपकी उम्र पचास साल है आप मुझसे कितने बड़े हैं दस साल किस आधार पर चालीस के आधार पर तो पच्चीस परसेंट बड़े हैं कितना परसेंट बड़े हैं लेकिन मैं आपसे कितना छोटा हूं आप पचास नहीं अभी समझ लो बेटा ठीक तो हो ही है तुम पचास साल के हो आप पचास साल के हो और मैं चालीस साल का मैं आपसे छोटा हूं कितना किस आधार पर आधार चेंज हो जा रहा है क्या चेंज हो जा रहा है आधार चेंज हो जा रहा है इसका मतलब मैं बीस परसेंट छोटा हूं और आप मुझसे पच्चीस परसेंट बढ़े इसका मतलब यह है कि मैथमेटिक्स में वाई से फॉलो नहीं होता उल्टा फॉलो नहीं होता आप मुझसे पच्चीस परसेंट बढ़े हैं तो मैं आपसे पच्चीस परसेंट छोटा नहीं हूँ मेरे पास में रहना क्लियर हाँ याद रखना अब जैसे मान मैं, मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु का मूल्य चौबीस रुपए पर किलोग्राम से बढ़कर कहा चौबीस रुपए पर किलोग्राम से बढ़कर रुपए पर किलोग्राम हो गया कितना हो गया तीस रुपए पर किलोग्राम हो गया वस्तु के बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करें कि वस्तु का मूल्य पचीस रुपए पर किलोग्राम हो जाए क्वेश्चन समझेगा? एक बार क्वेश्चन पहले समझिएगा कि एक वस्तु का मूल्य चौबीस रुपए पर किलोग्राम से बढ़कर तीस रुपए पर किलोग्राम हो गया तो वस्तु के बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करें

पांच छके पांच दो त्याई दो पचास यानी सोलह सही दो बटे तीन परसेंट की कमी करनी पड़ेगी बोलिए हां या नहीं? नहीं।, नहीं।, नहीं क्लियर हो गया सबको अब मैं आपको इस बात को दूसरी बार दूसरी तरह से कहता हूं इसे जरा सुनेगा क्वेश्चन सुनेगा तब बताइएगा एक वस्तु का मूल्य चौबीस रुपये पर किलोग्राम से बढ़कर तीस रुपए पर किलोग्राम हो गया तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि वस्तु का मूल्य पच्चीस रुपए पर किलोग्राम हो जाए क्वेश्चन सुनेगा देखिए इसके पहले क्या दोनों में अंतर पहले दोनों में अंतर समझेगा कि मैंने आपसे कहा खूब अच्छे से समझ जाएंगे तभी आएगा नहीं तो नहीं आएगा एक वस्तु का मूल्य 24 रुपए पर किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपए पर किलोग्राम हो गया तो वस्तु के बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करें कि यह वस्तु का मूल्य पच्चीस रुपए पर किलोग्राम हो जाए इसका मतलब बढ़े हुए मूल्य में कमी कराए दूसरी बार मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि एक वस्तु बारूल चौबीस रुपए से बढ़कर तीस रुपए पर किलोग्राम हो गया तो वस्तु के मूल्य में कितने तो प्रतिशत की वृद्धि करें कि वस्तु का मूल्य पच्चीस मतलब कहा कि वस्तु के बढ़े हुए मूल्य में कितने परसेंट कमी करें यहां बढ़ा हुआ मूल्य नहीं करा कर वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की कमी करें कि वस्तु का मूल्य पच्चीस रुपए इसका मतलब इस तीस से मतलब नहीं है यह चौबीस पच्चीस जाएगा मेरी बात सुनना क्लियर हो गया सबको देखिए लिखना नहीं है भैया खूब अच्छे समझना है अब मैं आपसे कहूंगा कि एक देखिए हर चीज अपने आप कितना परसेंट जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझसे 20 परसेंट छोटे हैं तो आप कहिए सर अपनी इसका मतलब मैं आपसे पूछूं बताओ आप कितने परसेंट हो तो आप कहिएगा सर आपसे मैं आपसे मतलब मुझसे आप बीस छोटे हैं इसका मतलब मैं सौ परसेंट कितना और आप कितने हो जाएंगे अस्सी कितने हो जाएंगे बीस परसेंट छोटे कितने हो जाएंगे अस्सी मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपसे पच्चीस परसेंट बड़ा हूं तो आपको सौ मान लूंगा और मैं एक सौ पच्चीस हो जाऊंगा सौ मानेंगे अब यह पता कैसे चलेगा किसे मानना है पहले जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे दस वर्ष बड़ा हूं किससे कितना वर्ष बड़ा हूं किससे आपसे तो यह बताइए सबसे पहले किसकी उम्र जानी जरूरी है आपकी क्योंकि मेरी अपनी कोई उम्र नहीं है मैं आपसे दस वर्ष बड़ा हूं अगर आप पांच साल के होंगे आप, आप तीस होंगे उम्र? उम्र नहीं पता हो उसे सौ मान लेते हैं क्लियर अब जरा समझ लिखना नहीं बड़े समझना है यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दो व्यक्ति कहूंगा ए की उम्र बी की उम्र से बीस अधिक है कौन अधिक है किस से? कितना परसेंट ए बी से बीस परसेंट अधिक है भैया मतलब हम सौ किसे मानेंगे इसका मतलब कितना हो जाएगा सौ या कितना हो जाएगा अब मैं आपसे कहूंगा तो बताइए बी की उम्र ऐसे क्वेश्चन सुनोगे तो बताइए बी की उम्र ए की उम्र से कितना परसेंट कम है कौन कम है बी किससे यानी अब आपसे कह रहा हूं कि ए 120 है और 200 है पूछ रहा है कि बी कितना परसेंट कम है तो बी कितना कम है 20 कितना कम है किससे ए से. से तो किससे 120 से और गुणित कितना 100 मेरी बात समझा रही ना yes, बोलिए yes, क्लियर हो रही बात yes, अब मैं आपसे कहूंगा समझना अच्छा भैया और ऐसे से अगर बात समझ में आ गया ना तो बड़ा इजी हो जाएगा सब जैसे मैं आपसे कहूंगा कि ए और बी दो लोग हैं A की उम्र या ए की आय बी की आय से 25 परसेंट अधिक है कितना अधिक है किससे 100 मानेंगे और ए कितना हो जाएगा मैं आपसे पूछूंगा बताइए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है तो 25 कम है किस आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है किससे ए से कौन कम है बी तो से कंपेयर हो रहा है ना तो जिससे कंपेयर हो उसी को क्या रही तो है, है? है, है. लेकिन यह जो कम है यह कितना है बीस परसेंट वाइस वर्षा नहीं हो रहा है क्लियर होगी बात, बात? अब जरा देखा जाए अब यहां ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं कि राम की आय श्याम की आय से या दिस की आय दे राम और श्याम है आपसे कहूंगा राम की आय श्याम की आय से चालीस परसेंट अधिक है कौन अधिक है राम किससे चालीस परसेंट तो राम कितना होगा श्याम कितना होगा बहुत अच्छा लगा क्लियर अब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है कौन कम है श्याम किससे बहुत अच्छा लगा कितना कम है आधार। किस आधार पर 100 बहुत एक काम बस यही करना है कि आधार को आपको समझ जाना है बस उम्मीद करता हूं यहां तो बात क्लियर हो गई आधार सबको समझ आ गया बेस क्लियर हो गया अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं समझा रहा है ना अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूंगा ए बी और सी है। ए बी और सी है। मैं आपसे कहूंगा ए की आय बी की आय से बीस अधिक है अधिक है कौन ए किससे बी से बीस परसेंट अधिक है बी की आय सी की आय से पच्चीस परसेंट अधिक है कितना अधिक है तब आपसे पूछूंगा देन तब आपको बताना है कि इनकम ऑफ आय ले, ले लेते हैं इनकम ऑफ सी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए देन द इनकम ऑफ देन द इनकम ऑफ ए मेरी बात सुन रही है तब मैं आपसे पूछूंगा कि तो बताइए सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है है ना कौन कम है सी किससे ए से तो पहले ए को जाना बहुत जरूरी है अब देखिए इसका सलूशन सर तो सबसे पहले किसे सो मानेंगे देखिए ए डिपेंड करा बी पर तो ए की अपनी कोई आय उम्र नहीं है वो किस पर है और बी डिपेंड करा किस पर सी पर यानी बी की अपनी भी कुछ नहीं है वो किस पर है सी पर तो सो किसे मानेंगे सी को या बी को या ए को C. बहुत अच्छा जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो उसी को सौ मानेंगे सौ आएगा यह कितना आएगा और यह एक सौ पैंतालीस नहीं अब इसे समझना है देखिए यह सौ का पच्चीस परसेंट ना तो सौ का पच्चीस परसेंट तो पच्चीस तो होता है इसलिए आपने पच्चीस जोड़ के एक सौ पच्चीस लिख दिया लेकिन यह से बीस 20 परसेंट ज्यादा है किसे बीस यानी एक सौ पच्चीस का बीस परसेंट 125, 125 का 20 परसेंट मेरी बात समझा रहे ना यहां भैया समझेगा किसका 20 परसेंट एक का 20 परसेंट और किसी भी चीज का 10 परसेंट मतलब कल सिखाया था किसी भी चीज का 10 परसेंट मतलब उसका दसवां हिस्सा हाँ नहीं बोलो दसवां हिस्सा मतलब एक अंक पर दस लगा देना तो 125 का 10 परसेंट साढ़े बारह एक चीज जानते जैसे आप लोग मजा नहीं आ रहा है बेटा समझिए खूब अच्छे समझदा है एक पहले सी कितना था सौ बी कितना हुआ एक सौ पच्चीस अब ए जो है ना एक सौ पच्चीस से बीस परसेंट ज्यादा है एक सौ पच्चीस का बीस परसेंट निकालना पड़ेगा एक सौ पच्चीस का दस परसेंट कितना साढ़े बारह किसी भी चीज का दस परसेंट का मतलब उसका दसवां हिस्सा एक अंक पर दसवां लगा देना या एक जीरो देखिए जैसे कल बताया था कि आठ सौ का दस परसेंट आठ सौ का इसका मतलब आठ सौ गुड़ित दस बटे सौ है ना इसका मतलब 800 सौ गुणित एक बटे दस या तो एक जीरो काट दीजिए या एक अंक पर दसव लगा देते यही ना यानी किसी भी चीज का दस परसेंट का मतलब होता है या तो एक जीरो काट देना या एक अंक पर दसव लगा देना जैसे मान ली मैं आपसे कहूं नौ सौ बहत्तर का दस परसेंट नाइनटी सेवन पॉइंट टू नहीं बोलो यार yes, क्लियर नौ बहत्तर का एक परसेंट नाइन पॉइंट सेवन टू क्लियर 1785 का 10 परसेंट एक सौ अठहत्तर दस पांच यही ना गुण गुण गुण। इस तरह से देखिए अगर आपको खूब अच्छे से मैंने आपसे कहा देखिए सी सेट बहुत भारी बात नहीं है सी सेट तो ऐसे हवाम हो, हो जाएगा बहुत भारी भारी मत सीखे ऐसे हवाम हो, हो जाएगा सी सेट हो जाएगा लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैथमेटिक्स इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि वो सी सेट हो जाए मैथमेटिक्स इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि मैथमेटिक्स आ जाए मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ा जाता है कि बाकी और और सारे सब्जेक्ट भी आ जाए है ना yes, जैसे कहा जाता है कि विज्ञान ही yes. कौन किसकी जननी है पता है विज्ञान yes. ही किसकी जननी है yes. बाकी आप लोग पता नहीं है, नहीं कौन है क्या है विज्ञान yes. ही आविष्कार की जननी है नहीं yes. गणित विज्ञान का क्या है yes. हाँ दोष कर है बहुत अच्छा yes. <laughs> yes. सबकी उत्पत्ति यानी जो विज्ञान है विज्ञान मैथ की भी जर्नी है लेकिन मैथ क्या है सब सारे सब्जेक्ट का बाप है क्यों क्योंकि मैथ से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है ये आप लोग नहीं समझते सब जानते हैं ना अरे भैया देखिए शुरू में एक बात समझे कि पहले तक से समझे कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी बिना मैथ के कुछ नहीं होने वाला है कि कुछ होने वाला है बिना मैथ के कुछ नहीं होगा प्रैक्टिकल लाइफ में भी सपोज करिए कि अगर एक सब्जी वाला आपको देख लिया और आपको समझ गया कि अगर ये मैथ कम जानता है या नहीं जानता नेहरू बिहार में जहां जा, भी आप रहते हैं नेहरू बिहार नगर गांधी जहां भी आप रहते हैं सब्जी वाला अगर ये समझ लिया कि मैथ नहीं आता इसे कमजोर है तो आप पूछेंगे भैया आलू कैसे दिया तो मान लिया आलू अभी चालीस रुपए किलो तो आप आपसे कहेगा पौने उनतालीस रुपए किलो ठीक है आप कहेंगे भैया एक काम करो डेढ़ किलो दे दो तो कहेगा भैया एक किलो साढ़े छह सौ ग्राम दे दूं कि आप कहेंगे दे दो और आपसे कहेगा सत्तर रुपए क्योंकि उसे पता है कि जोड़ नहीं पाएगा तो आप कहेंगे भैया थोड़ा सा कम कोई बात नहीं सर आप पांच रुपए कम कर आप चूंकि मेरे गांव के के हैं हैं मेरी तरफ आप भी खुश वो भी ले लिया पंद्रह रुपए मार दिया नहीं समझे यह सब सारा टेक्निकल गेम समझना पड़ेगा इसलिए खूब अच्छे समझेगा तो मैथमेटिक्स इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि मैथमेटिक्स है कि मैथमेटिस पढ़ा जाता है कि और सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बन जाए और सब्जेक्ट का आइडिया जनरेट हो जाए मेरी बात समझ आ रही है आय जुड़े तो अब यह कह रहा है कि ए की आय बी की आय से बीस परसेंट अधिक है कितना अधिक है किससे बी से, से? सबका खुलता हुआ दिखे। सब लोग बोलेंगे किससे बी से तो बी कितना था 125. 125 साढ़े बारह तो बीस परसेंट कितना हो जाएगा पच्चीस कितना यानी पचास हो जाएगा कितना हो जाएगा एक सौ तो? अब आपसे पूछ रहे तो बताइए सी की आय एक आय से कितना परसेंट कम है कौन कम है सी किससे कौन कम है सी किससे कितना कम है किस आधार पर सौ हम्म ऐसे सौ या डेढ़ सौ सौ या डेढ़ सौ जरा सोचिए डेढ़ सौ हो गया होगा हो सी हाँ, कम है ए से देड़। पक्का देड़। कितना होगा अच्छा कुछ लोगों को कम पता है कुछ लोग अभी कंफ्यूज में हैं कंफ्यूजन स्टेट में बहुत अच्छा कितना, कितना डेढ़ सी होगा ना हम्म और सौ क्योंकि ए से ना तैतीस एक बड़े तीन परसेंट मेरी बात समझ आ रही है अगर आपसे पूछे ये बताइए सी से कितना परसेंट अधिक है ए सी से कितना परसेंट अधिक है कौन अधिक है ए किससे कितना का अधिक है पचास किस आधार पर अब सौ का आधार हो जाएगा और गुणित सौ यह पचास परसेंट दिख भी रहा है मेरे पास मेरे कर सकते हो लिखे क्वेश्चन लिखे लिखेगा ए की आय एक मिनट एक मिनट पहले इसे लिखा तो, इसे आप लोगों ने लिखा था तो यह सब लिखा था नहीं जो सब लोग लिख रहे ना yes, ये लिखना बहुत जरूरी है जहां आपने लिखा है कि प्रसाद के आधार पर आधारित प्रश्न ये सब लिखना बहुत जरूरी है लिख लिया है अब लिखेगा क्वेश्चन क्वेश्चन लिखेगा ए की आय बी के आय से ए की आय बी के आय से 20 परसेंट अधिक है इंग्लिश में लिखेगा इनकम ऑफ ए इज ट्वेंटी परसेंट मोर देन द इनकम ऑफ बी ए की आय बी की आय से बीस परसेंट अधिक है तो बी की आय ए की आय से तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है इंग्लिश में लिखेगा इनकम ऑफ ए इज ट्वेंटी परसेंट मोर देन द इनकम ऑफ बी देन इनकम ऑफ़ बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए बता सकते हैं पहले सौ किसे मानेंगे अब ऐसे ओरल बता दो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ना क्वेश्चन सामने आ गया ऐसे ओरल अब सब लोगों ने क्वेश्चन लिख, लिख लिया नजर एक बार ऊपर रखो ऐसे ओरल बता दो ए कितना अधिक है बीस परसेंट किससे सौ किसे मानेंगे बी B को बी को सौ ए कितना एक सौ बीस अब किसके बारे में पूछ रहा है बी के बारे में, में. किसके आधार पर कितना कम है बीस. बीस किस आधार पर एक सौ बीस बीस बड़े सौ, है ए और बी यह बीस परसेंट अधिक है यह सौ होगा यह कितना होगा एक सौ बीस एक सौ बीस. बीस क्लियर और अब आपसे पूछ रहा है यह कितना कम है बी कम है बी क्या है किससे ए से ना तो कितना परसेंट कम है बीस किस आधार पर गुड़ी सौ बीस एक के बीस छक्के दो तिहाई दो पचास सोलह सही दो बड़े तीन परसेंट क्लियर क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा ए की आय ए की आय बी के आय से ए की आय बी के आय से 20 परसेंट कम है ए की आय बी के आय से 20 परसेंट कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी इनकम ऑफ ए इज 20 परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ बी then इनकम ऑफ बी is how मच परसेंट मोर than द इनकम ऑफ ए ए की आय बी की आय से बीस परसेंट कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी ऐसे ओरल, नज़र ऊपर रखिए अच्छा एक बात और जो बच्चे ऑनलाइन है ना ऑनलाइन भी जहां बैठे वहीं से वहीं से भी बोलना शुरू करिए है ना अपने पास आस पास सब लोग जुड़ेगा नजरों पर रखो सबके नजरे ऐसे और बताओ करें बी की से बीस परसेंट कम है कौन कम है इसमें भी दिक्कत हो रही कौन कम है ए। किससे? सौ मानेंगे बी को बी को कितना मानेंगे सौ ए कितना कितना? अस्सी अब पूछ रहा बी कितना अधिक है कितना अधिक है बीस किस आधार पर बीस बड़े अस्सी है ना कितना आएगा पच्चीस परसेंट क्लियर हो गया सबको कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अब इसे बताओ या हो गया yes. हो गया हो गया, सब का? गया? ना सबका चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे ए की आय इसका सलूशन देख ही लीजिए ना नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि पता नहीं बता नहीं रहे हाँ ए और बी यह बीस परसेंट कम है यह सौ होगा यह कितना होगा अस्सी या कम पूछ रहे हैं ना कितना कम है बीस किस सॉरी अधिक है ना अधिक है ना कितना अधिक है बीस किस आधार पर गुड़िस क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट ए की आय बी की आय से ए की आय B के आय से थोड़ा सा इंतजाम करते हैं। ए की आय बी के आय से 25 परसेंट अधिक है ए की आय के आय से 25 परसेंट अधिक है बी लिखा भैया जबकि बी की, की आय ए के आय से थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने है ना हमने गलत एक की आय बी की आय से कितना अधिक है पच्चीस परसेंट अधिक है जबकि बी की आय सी की आय से हाँ जबकि एक की आय सॉरी बी की आय सी की आय से तीस परसेंट अधिक है कितना परसेंट अधिक है तीस परसेंट अधिक है तो एक की आय सी के आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी ए अधिक है किससे बी से कितना परसेंट पच्चीस परसेंट बी अधिक है किससे सी से कितना परसेंट तीस परसेंट तब पूछ रहा हूं कि ए की आय सी की आय से कितना परसेंट अधिक है ए की आय सी के आय से सी के आय से कितने प्रतिशत अधिक है है ना? यह आपको बताना है इंग्लिश में इंग्लिश में लिख लिया इंग्लिश में लिखेगा इनकम ऑफ ए इज 25 परसेंट मोर इंग्लिश वाले बना तो सकते हैं ना इनकम ऑफ ए इज 25 परसेंट मोर देन द इनकम ऑफ बी एंड इनकम ऑफ बी इज 30 परसेंट मोर देन द इनकम ऑफ सी देन इनकम ऑफ ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन द इनकम ऑफ सी है ना तो यह बताइए पहले सौ किसे मानेंगे पहले सौ किसे मानेंगे बताइए नजर इधर रखिएगा बहुत अच्छा लगा पहले सी सौ सी को मानेंगे यह कितना होगा एक सौ अब जरा समझिए एक सौ तीस का पच्चीस परसेंट कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी चीज का पच्चीस परसेंट निकालो तो उसका चौथाई कर देते हैं अगर किसी भी चीज का एक परसेंट निकालना है फिर से सुन लीजिए आज अगर किसी भी चीज का एक परसेंट निकालना है तो सौ से भाग दे देते हैं सौवां हिस्सा पचास दो परसेंट निकालना हो तो पचासवां हिस्सा पचास से भाग देते हैं चार परसेंट निकालना है तो पच्चीसवां हिस्सा है ना

बेटा बहुत अच्छा समझ रहा हूँ मैं हां मैं समझ गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ इस बात को बहुत अच्छा एक्चुअली जब हाँ बेटा जब इसीलिए कहता हूं ना कि जब मैं पढ़ाऊं तो यही रहो जैसे यह किसी और दुनिया में है, है ना चलो तो एक, एक सौ सत्तर का था बोलो भाई और पचासी का था साढ़े बयालीस कितना साढ़े फोर्टी टू पॉइंट फाइव आ गया क्लियर ऐसे करना है तो उसका चौथाई मिल गया अब इसका जरा देखा जाए इस, यानी इसका मतलब 170 का 25% 42.5 होता है yes, क्लियर 130 का 25% 130 का आधा बोलो 65 का आधा साढ़े तब आपको निकालने की जरूरत नहीं है बता दीजिए साढ़े 32.5 होता है कितना होता है 32.5 साढ़े 32 162.5 हुआ क्या कौन पूछ रहा है कौन अधिक है ए किससे सी से ना तो साढ़े बासठ परसेंट अधिक है क्योंकि बेस सौ होगा ना बेस सौ होगा तो परसेंटेज भी वही हो होगा क्लियर साढ़े बासठ परसेंट अधिक है क्लियर हो गया करिए <coughs> हो गया साढ़े बासठ बेटा साढ़े बासठ है करो एक की आय सी की आय से साढ़े बासठ ना क्लियर भैया अब हम कर सकते हैं इसमें इस कोई डाउट चले तो अब हम दो तीन वाले भी कर लेंगे ना चले आगे बढ़ते हैं अब कुछ बात और आगे लेते हैं जैसे मैं ले, मैं आपसे कहूं अच्छा अब इस तरह से ए बी सी आपके एग्जाम में मैक्सिमम दो तीन आता है तो कर लेंगे ना ए की आय बी की आय से इतना कम ज्यादा एक क्वेश्चन ऐसे मैं यहां लिख देता हूं आप लिखिएगा मत आप इसका आंसर बताइएगा मैं आपसे कहूंगा ए की आय बी की आय से चालीस परसेंट अधिक है और बी की आय सी की आय से ऐसे लिख लीजिएगा ऐसे बता दीजिएगा तीस परसेंट कम है तो आपको बताना है कि सी की आय ए के आय से आय से कितने परसेंट कम या अधिक है है ना इंग्लिश में से कि इनकम ऑफ सी इंग्लिश वाले ऐसे लिख पाते हैं क्या इनकम ऑफ सी इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन इनकम ऑफ ए ठीक है यह आपको बताना है बता सकते जल्दी आंसर बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए फटाफट सब लोग जल्दी से जीज़ी। कितना जीज़ी। देखते हैं तो 100 किससे मानेंगे बताइए 100 किससे मानेंगे सी को कितना मान लिया 100 या कितना 70 का 40 70 का जोड़ो मेरे साथ 70 का 40 70 का 70 का 10 कितना होता है किसी भी चीज का 10% मतलब उसका दसवां हिस्सा उसका 10वां हिस्सा 70 का 10 कितना होता है 7 तो अब चालीस कितना होगा चार गुना चौके के सात चौके इसके अंदर अट्ठाइस ज्यादा होगा यानी अट्ठानबे होगा बोलो हाँ या नहीं अब कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम या अधिक है कौन कम या अधिक है सी, सी। किस से? से सी कम है या ज्यादा कम है या ज्यादा सी ज्यादा बेटा आपको आ रहा है अच्छा अगर मैं आपसे नहीं पूछता तो नहीं बताती बाद में पूछती कोई बात नहीं बेटे बाद, बाद वाली बात सब बाद में रह जाती है ध्यान रखिएगा इसलिए मैंने आपसे कहा कि लगातार जैसे पढ़ाई के दौरान कोई भी डाउट हो तो उसे अगर है तो सॉर्ट आउट कर लीजिए है ना देखते चलिए कोई बात नहीं यहाँ सौ है आ, कितना है सत्तर तीस कम हो गया अब सत्तर का चालीस परसेंट सत्तर का सत्तर का दस कितना होता है सात तो चालीस कितना हो जाएगा अट्ठाइस कितना अट्ठाइस तो सत्तर का चालीस अट्ठाइस हो गया नव सत्तर अट्ठाइस कितना अब आपसे कह रहा है सी की आय की आय से कितना परसेंट कम या अधिक है कंपेयर कहां से कहां कर रहे हैं सी से का तो यह बताइए कम कम है आधिक? आधिक। सी कम है आधिक। आधिक। कितना आधिक है अधिक 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 कितना किस आधार पर गुणित कितना दो एक के, दो चौके दो नौ अठारह हां या नहीं सौ बटे उनचास परसेंट क्लियर या दो सही दो बटे उनचास परसेंट अधिक है बात आ गई ना छपे लिखे से सर। आ सर गया लिखे 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 सबको क्लियर हो गया ना किसी को डाउट किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो पूछे मुझसे दिक्कत नहीं है बोलना पड़ेगा एक चीज और समझे जैसे मैं सांकेतिक भाषा नहीं समझता कुछ लोग ऐसे बोलता है फिर कुछ ऐसे बोलेगा फिर ऐसे ऐसे बोलेगा मैं सांकेतिक भाषा नहीं समझता मुझे हाँ नहीं आने आता है ना कुछ ऐसे करेगा हो गया कुछ ऐसे करेगा पता नहीं क्या चलिए इसलिए एकदम खुलकर बताना है बेटा अरे वाह इसका इंतजार कर रहा था सोच रहा था आप जल्दी पी सकता हूं ना थैंक यू हाँ बेटा बोले क्या ट्वेंटी एट कैसे है ये सत्तर का चालीस परसेंट सत्तर का चालीस परसेंट या तो ऐसे निकालिए कि सत्तर गुड़ित चालीस बढ़े सौ अट्ठाइस आ गया आगे बेटा मैंने आपसे कहा ये सब मत करिए ये सब एस एससी वाले करते हैं ये सब बच्चे करते हैं है ना आप कैसे करेंगे कि आपको पता है कि सत्तर का दस कितना होता है सात तो चालीस कितना होगा चार गुना अट्ठाइस क्लियर yes. चले कर सकते हैं सब लोग yes. अब हम आगे लिखेंगे लिखेगा हेडिंग लेंगे सब लोग yes. बेटा छापो फिर yes. है ना लिखेंगे सब लोग आय yes. यार रुकी रुकी। बाद में बताएंगे पहले लिखिएगा मूल्य खर्च और खपत पर आधारित प्रश्न मूल्य खर्च और खपत पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइज एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइज एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पन मूल्य खर्च और खपत पर आधारित प्रश्न क्वेश्चंस बेस्ड प्राइज एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन लिखा सबसे पहले खर्च और खपत में अंतर पता है सबको कितने बच्चों को खर्च और खपत में अंतर पता है एक बार हाथ उठाने जरा तो खर्च और खपत में अंतर कितने बच्चों को पता है बहुत अच्छा एक टर्म आता है खर्च और एक टर्म आता है खपत इसे इंग्लिश में एक्सपेंडिचर कहते हैं और इसे कंजम्पशन कहते हैं क्या कहते हैं क्लियर समझे खर्च और खपत आप बताएं पहले पता अच्छा पता है पहले सुन के तब बहुत अच्छा हाँ आप हाँ पता है ना आपको हाँ बताइए एक चीज और एक चीज और समझे जैसे जैसे मैं आपसे पूछूं तो आप बुरा मत मानेगा और शरमाएगा नहीं खुलकर बोलेगा नहीं है ना आता है तो खुलकर बताइए हाँ बारी बारी से के पास भी आ जाते हैं थोड़ा सा सब लोग अपने कंट्रोल रखेंगे ना बारी बारी से हाँ उपभोग कर रहे हैं जैसे मान ली मैं आपसे कहूं कि मैं कोलगेट का एक टूथपेस्ट है ना कोलगेट का एक टूथपेस्ट हर महीने खर्च कर लेता हूं yes, सही बात है yes, सही है या? Yes, हाँ आप चले जैसे एक बात और देखिए विशेषकर आपके लड़कों से मेरी गुजारिश होगी कि जब आप बोले तो खड़े होकर बोले ना है ना और देवियां मान बैठकर ही बोले देवियों किस बारे में बहुत नहीं कहा जा सकता भाई इन्हें नहीं कहा जाता कि तुम खड़ी उठो पता चला बुरा मान गई नहीं लड़कियों के साथ थोड़ा सा मुश्किल है पता चला बुरा मान गया बुरा मान गई तो कभी कभी अंदर से आता हे भगवान इसका तो।, तो मुश्किल हो जाता है उससे इसलिए लड़के लेकिन खड़े होकर बोले हाँ अच्छा मान लिया जाए कि आपको ना एक ले मैन को बताना है एक बहुत छोटे से बच्चे को बताना है वो जीरो है एक गंवार आदमी है उससे बताने की देखो खर्च इसे कहते हैं खपत इसे कहते हैं हाँ आप फिर से फिर से बोले फिर से बोले हाँ जैसे एक रिक्शा वाला है और गंवार है तो क्या उसे हिंदी में बोलकर बताइएगा कि देखो ऐसे से होता है कैसे बताएंगे मान ली मैं रिक्शा वाला हूं और आप मुझे बताइए कि कैसे खर्च और खपत क्या होता है बताइए समझा दीजिए बस और जो तो आप चले गए खपत हो गई चले बैठे बहुत अच्छा लगा और कोई बताए हाँ हाँ आप रुके रुके बैठे हाँ आप तो बुक तो 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 खपत करते हैं बट बुक खपत कैसे होती है कुछ भी बोलोगे खपत मतलब कुछ चीज होती है कि जैसे वो कह रहे हैं कि चले गए तो खपत बुक ऐसा थोड़ी यार कुछ नहीं बोल रहे हैं हाँ ये तो हमें ही पता है कि जो खर्च है उसे खर्च करते हैं उसे खर्च कहते हैं ये तो हमें सबको पता है लागत लगने वाले को खर्च कहते हैं अच्छा खपत कहते हैं और खर्च जितना खर्च किया खर्च को खर्च कहते हैं बहुत अच्छा बैठे खर्च को खर्च कहते हैं लागत को खपत कहते हैं ये कौन सी बात है और कोई सोचिए हम लोग सिविल वाले हैं सब हाँ अब देखिए और सुने हाँ चले हम लोग अच्छे सुनेगा हाँ

मिथिलेश ये तुम्हारे सब बताओ ऐसे सिविल वाले बच्चे हैं क्या बना रखा है बताइए सब सिविल वाले बच्चे हैं खर्च और खपत में और कोई बताए हाँ एक बार हाँ रिक्शे वाले कैसे बताएंगे रिक्शे वाले माली रिक्शे वाले क्या बताएंगे क्या कहेंगे कि भैया देखो ऐसा होता तो खपत है कंजम्पशन मतलब खाने वाली चीज होती है भोग करने वाली चीज होती है जो हाँ खड़े हो जाइए प्लीज हाँ जी आप खड़े रहेंगे हाँ केवल और केवल के एक आंसर मिला जो आपने दिया बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा एग्जैक्टली exactly इन्हीं के आंसर सही है बैठे रिक्शे वाले बताएंगे कि देखो जो तुम बिस्किट पर पैसा दिए मान लो तुम क्या खा, उसे बोलेंगे क्या क्या खाते हो सुबह क्या खाते हो तो कहेगा सर मान ली कि रोटी खा के आता हूँ मैं हम उसे बताएंगे देखो जितने रुपए का पैसा दिए तुम दुकान वाले को आटा खरीदने के लिए वह आटा तुम खाए हो वही खपत है है सिंपल सी बात है। तो खर्च हमेशा रुपए का होता है और खपत हमेशा वस्तुओं का होता है वस्तुओं का खपत रिक्शे का खपत नहीं होता किताबों का खपत नहीं होता है ना और कौन क्या बोला था मस्सी है ना कुछ और किसी ने बोला था

कभी मुझे देखो मैं बोलने लगू तो देखो कितना अच्छा मोटिवेट करता हूं है ना तो मोरल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बहुत अच्छा लगा तो खर्च किसे कहते हैं रुपए का और खपत हमेशा वस्तुओं का होता है इज दट क्लियर क्लियर अब आगे बढ़ते हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं सपोज करें एक दिन में बाजार गया और वहां सेब खरीदने गया था सेब तीस रुपए किलो थी कितना रुपए किलो मैंने दुकान वाले से कहा भैया ये लो चार सो बीस रुपए कितना रुपए और अब आप चार सौ बीस रुपए दुकान वाले को दिया और उससे कहा लो सेब दे दो यह बता हुआ मुझे कितना कितना किलो सेब देगा तो आप कहिए कि देखिए सर चाहे आप तीन चार सौ बीस रुपए दें चाहे पांच सौ रुपए दें चाहे पांच हजार रुपए दें चाहे जितना रुपए दें अगर सेब का मूल्य तीस रुपए पर किलोग्राम है तो हमेशा सेब तीस रुपए के आधार मूल्य पर ही मिलेगी मैं बापू टाइप का आदमी नहीं हूं हाँ नहीं है सबको। yes, इसका मतलब सेब हमेशा तीस रुपए के आधार मूल्य yes, पर ही मिलेगी चाहे जितना रुपए दो आधार का का मतलब भिन्न हर नीचे वाला क्लियर yes, तो मुझे चौदह किलो सेब मिल जाएगी बोलो हाँ या नहीं क्लियर yes, yes, या, यानी हमेशा कोई वस्तु उससे मूल्य के आधार पर ही मिलती है हाँ नहीं बताओ yes, अगर आज सेब चालीस रुपए किलो होती तो किस आधार पर मिलती पचास होती तो सत्तर होती तो जितना रुपए होगी उसी के आधार मूल्य पर मिलेगी बोलो हाँ या नहीं yes, बहुत अच्छा लगा एक बात और जैसे माले मैं आपसे कि कल सेब चालीस रुपए किलो था yes, बोलो हाँ या नहीं yes, कितना रुपए किलो था yes, और मैं पर डे एक किलो सेब खाता था कितना सेब खाता था एक किलो, एक किलो सेब खाता था इसका मतलब मैं पर डे सेब पर एक किलो का एक किलो बराबर रुपया खर्च करता था यानी चालीस रुपए खर्च करता था और एक किलो सेब खा लेता था ये चालीस रुपए का खर्च रुपया है ये मेरा खर्च है और एक किलो सेब मेरा उपभोग है है ना तो इसका मतलब मैं चालीस रुपए खर्च करता था पर डे दुकान वाले को जाता था चालीस रुपए देता था वो मुझे एक किलो सेब देता था मैं लेकर आ जाता था यह सिलसिला काफी दिनों तक चला एक दिन क्या हुआ कि मैं दुकान वाले के पास गया और उसे कहा कि लो एक किलो सेब दे दो आज उस दिन वो एक किलो देने से मना कर दिया। मैंने, मैंने कहा यार देखो मेरी सैलरी इतनी है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं चालीस रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाऊंगा बहुत अच्छा जैसे आप लोग नहीं सुना रहा अरे बहुत अच्छा ऐसा लग मैं अपनी कहानी थोड़ी सुना रहा हूं मैं मैं थोड़ा सा आप लोग बोलो यार आप लोग आप लोग एकदम ऐसे हाँ अरे थोड़ा सा आप लोग भी हाँ ना करके बोले भैया ऐसे थोड़ी कम चलेगा तो चालीस रुपए किलो था सेब और सेब पचास रुपए हो गया मैं चालीस रुपये ही मेरे पास था मैंने दुकान वाले से कहा भैया देखो मेरी सैलरी इतनी है कि मैं चालीस रुपये से ज्यादा सेब पर नहीं खर्च कर सकता तो मुझे किलो दे दो उसने कहा सर देखिए कि अगर आप चालीस रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते और सेब का मूल्य पचास रुपये किलो हो गया तो सेब थोड़ा सा कम खाइए पहले जितना खाते तो उससे क्या करिए कम यानी इंडायरेक्टली रूप से वो कह रहा है कि अगर औकात ज्यादा खर्च करने की नहीं है तो खपत कम कर दो क्या कर दो अब मैंने उससे पूछा चाहिए बताओ कितना खपत कितना परसेंट खपत कम करूं उसने सीधे से सी देखा कि सर पचास रुपए किलो है कितना रुपए किलो है और आप कितना रुपए खर्च कर रहे हैं चालीस रुपए आप खर्च कर रहे हैं इसलिए दस रुपए के बराबर सेब आपको नहीं दूंगा काट लूंगा हाँ नहीं बता जैसे हमारे यहाँ के दुकानदार आलू प्याज सब काट लेता है है ना तो पचास रुपए किलो है और मैं उसे चालीस रुपए दे रहा हूं तो कितने रुपए बराबर कम दस रुपए के बराबर कम देगा, देगा सेब मुझे किस आधार मूल्य पर क्योंकि अब सेब का मूल्य कितना हो गया तो दस बढ़े और इस जितना कम देगा उतना ही परसेंट मुझे कम खाना पड़ेगा गुणित कितना सौ पचास दूना दस दूनी इस इसका मतलब यह है कि आज वस्तु का खपत 20% परसेंट कम करना पड़ेगा इज दट क्लियर क्लियर पक्का yes, sir. लिखो क्वेश्चन हो गया समझ आ गया भैया चाय ठंडी हो गई चले एक चीज ये बताइए हर चीज का आरंभिक मूल्य कितना होता है 100% परसेंट लिखेगा एक वस्तु के मूल्य में एक वस्तु के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई इंग्लिश वाले रुके रहेंगे ना बोलूंगा एक वस्तु के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई तो वस्तु के बढ़े के एक वस्तु के मूल्य में 20 परसेंट क्या की गई वृद्धि कर दी गई लिखा तो एक उपभोक्ता को एक उपभोक्ता को वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे इंग्लिश में लिखेगा प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेजेज प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेजेज बाय ट्वेंटी परसेंट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेजेज बाई कितना ट्वेंटी परसेंट वाट परसेंट what percent consumption of object should be reduced by the consumer so that his expenditure remains unchanged? remains unchanged. lika, price of an object is raised by 20%. then what percent consumption of object should be reduced by the consumer? सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन्सेंड लिखा लिखा ये पहला क्वेश्चन इसलिए खूब अच्छे डिटेल में करेंगे हम लोग सब लोग समझिएगा भैया सब लोग समझिएगा ये पहला क्वेश्चन इसलिए खूब अच्छे से करेंगे ये इसे हम कहते हैं प्राइस मूल्य इसे कहते हैं खर्च एक्सपेंडिचर खर्च और इसे कहते हैं कंजम्पन खर्च खपत ठीक है बोले पहले नजर रखिएगा बोर्ड तरफ यह पहला क्वेश्चन खूब इसे ध्यान दे लीजिए सबसे इनिशियली जो आरंभ में होता है जो आरंभ में होता है मूल्य भी सौ परसेंट मूल्य भी खर्च भी यानी यू मान लिया मान लिया जाए कि सौ रुपए किलो आलू है कितना रुपए किलो और आप सौ रुपए खर्च करते हैं तो आपको एक किलो आलू मिलती है या चीनी मिलती है मान लीजिए सौ रुपए किलो चीनी है आप सौ रुपए खर्च करते हैं तो एक किलो चीनी मिलती है इज क्लियर एक किलो चीनी जो मिलती है वह कित के बराबर है सौ परसेंट किसके बराबर है सौ परसेंट मेरी बात समझ आ गई पक्का अब जरा देखा जाए लिखना नहीं भैया समझ है अब जरा देखा जाए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में बीस परसेंट की वृद्धि हो गई कितना परसेंट वृद्धि हो गई लिखना नहीं खूब अच्छे समझना बेटा 20 परसेंट की जब वृद्धि हो गई तो इसका मतलब आज जो मूल्य है यह 120 हो गया और कर खपत में कितना परसेंट की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे यानी एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज खर्च सो ही रहे कितना रहे आज सिचुएशन यह हो गई है कि अब चीनी एक रुपए किलो हो गई कितना रुपए किलो हो गई क्योंकि मूल्य 120 हो गया है कितना हो गया 120 आज चीनी 120 रुपए किलो हो गई है और खर्च सौ ही रुपए किलो और मैं सौ रुपए खर्च कर रहा हूं तो मुझे चीनी एक किलो से ज्यादा मिलेगी मिलेगी या कम कम मिलेगी? और जितना कम मिलेगी वही मेरा खपत कम होगा तो यानी आज जो मेरा खपत है मेरी बात समझ ना बहुत अच्छी बहुत अच्छा क्वेश्चन समझना है आज जो मेरा खपत है वो कम होगा कितना रुपए किलो चीनी है मैं कितना रुपए खर्च कर रहा हूं मुझे कितना किलो चीनी मुझे कितने रुपए बराबर चीनी कम मिलेगी यानी एक किलो में बीस रुपए बराबर चीनी कम मिलेगी क्लियर yes, yes. yes, एक किलो में बीस रुपए बराबर चीनी yes. क्यों? क्योंकि चीनी का मूल्य एक सौ बीस है हमने कितना खर्च किया सौ कितने रुपए बराबर चीनी कम मिलेगी किस आधार मूल्य पर यही बात जानना बहुत जरूरी है अब किस आधार मूल्य पर चीनी कम मिलेगी सौ या एक सौ बीस क्यों क्योंकि अभी चीनी का मूल्य 120 हो गया है कितना हो गया है अब चीनी का मूल्य 120 हो गया यानी आधार मूल्य कितना हो गया 120। और अब पूछ रहा कितना परसेंट तो परसेंट के तो अब तो हम बासा हो गए गुड़ित 100, पक्का 20 एक के बीस छक्के दो या दो पचास यानी 16 सही दो बड़े तीन परसेंट खपत में किसमें खपत में कमी करनी पड़ेगी हाँ या नहीं yes, पूरा पूरा ऐसे लिख लीजिए समझ में आ गया भैया लिखे 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 क्लियर हो गया yes. करो कर सकते हैं ना हाँ भैया हाँ पूछिए एकदम खुलकर हाँ होगी थी और कैसे होगी? आटा घोल कर भी पिया जा सकता है? सत्तू जानते? सत्तू जानते सत्तू? पानी? नहीं मान के अच्छा मान चले कि वो पहले हम आटे के ही बात कर लेते हैं ना सत्तू की बात करते हैं तो खपत का मतलब समझिए कि खपत का मतलब सुने जैसे खपत का मतलब यह है कि जो हमारे हमारे लिए हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए जो हमारे फिजिक के लिए जरूरी है है ना अब बताइए पेन हमारे फिजिक्स के लिए फिजिक के लिए कितना पे जरूरी पे आपने की की होती है, तो है की उसे ना खपत उसे खपत नहीं कर उसे खपत नहीं कहते मान लिया जाए खपत कर दे देंगे कभी नहीं नहीं वो बात नहीं सर क्योंकि अभी आपने नहीं nee, खपत देखिए जैसे खपत का मतलब कंजम्पशन मतलब होता है कंजम्पशन का मतलब ये होता है कंजम्पशन का मतलब होता है जो ह्यूमन बॉडी द्वारा किया जाए जो आदमियों द्वारा ह्यूमन द्वारा अपने लिए यूज किया जाए तक तक तो तक तक नहीं आप कैसे कह सकते मैं आपसे तो 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 मैं करो मैं कह रहा हूं कि ह्यूमन बॉडी बॉडी के लिए अपने केवल खाने के लिए खाने वाली चीजों को ही खाने वाली चीजों का ही मैक्स मतलब मोस्टली उपभोग किया जाता है जैसे मान ली कि हम जैसे आप अपने घर में चेयर ला लिए है ना क्या ला लिए चेयर तो सोचिए कि पैसा देकर चेयर लाए तो चेयर उपभोग नहीं होता चेयर का यूज होता है जो वस्तुएं होती जो खाने वाली चीजें उनका यूज करते हैं आप समझिए जैसे मैं एक बार अब एक बार समझिए जैसे तो अब क्या होता है जैसे मान ली कि चेयर टूट गई तो हम कहते हैं वो यूजलेस है क्या है यूजलेस है और जब आटा खराब हो जाता है तो वो कहते हैं कंजम्पन लेस है मैथ ही समझे बहुत ही हाँ नहीं ना को हम, हो है तो। मैं कह रहा हूं भैया कि जैसे ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन बॉडी के लिए जिसका यूज ना हो फिजिक के लिए यूज ना हो उसे यूज करते हैं जैसे आपने चश्मा पहन रखा है तो चश्मे का यूज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं नॉट उपभोग कंजम्सन नहीं कर रहे हैं यूज करें ना उसमें आ, में यूज लिखा, जाए, कंदिशन कंदिशन लिखा, लिखा जाएगा तो यूज वाली चीज नहीं आएगा नहीं। यूज वाली चीज क्वेश्चन नहीं आएगा तो जो होगा वही आएगा बस हाँ वही ने? आएगा हाँ okay, हो गया भैया सबका yes. चले लिखे अब सबको क्लियर हो गया yes. अब लिखेगा एक वस्तु के मूल्य में एक वस्तु के मूल्य में दस प्रतिशत की कमी कर दी गई प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेड्यूसेज प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेड्यूसेज बाय टेन परसेंट एक वस्तु के मूल्य में दस परसेंट की कमी कर दी गई एक उपभोक्ता को वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे इंग्लिश में लिखेगा एक वस्तु के मूल्य में दस प्रतिशत की कमी कर दी गई तो एक उपभोक्ता को वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि सॉरी कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे अब इंग्लिश में लिखेगा प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ज रेड्यूस बाय टेन परसेंट देन वाट परसेंट कंजम्सन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी इंक्रीज बाय द कंज्यूमर सो दैट हीज एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज अब ऐसे ओरल बताइएगा है ना अब जैसे मैं आपसे कहूं क्वेश्चन लिख लिया सलो ने सब लिख लिया एक बार नजर ऊपर मेरे साथ बोलिए सबकी नजर ऊपर आपका दिमाग जाए कि कितने रुपए किलो थी मुंह खुलना पड़ेगा सबका पहले चीनी कितने रुपए किलो थी आज कितनी हो गई नब्बे नब्बे रुपए किलो चीनी रहा है खर्च अपरिवर्तित रहे तो खर्च पहले कितना था सौ आज भी कितना रहे सौ यानी पहले चीनी सौ रुपए किलो थी आज सौ रुपए देते थे आज चीनी नब्बे रुपए हो गए और मैं सौ रुपए दे रहा हूं नब्बे रुपए किलो चीनी है

पक्का चले जल्दी जल्दी करिए चले भैया अब मैं आपसे कहूंगा अब कर लेंगे सब इसे कर लेंगे ना कि भैया आप प्राइस के देखिए अब ऐसे करेंगे नाउ इनिशियल वाला हटा देंगे अब लिखेंगे नाउ अब प्राइस कितना हो गया नब्बे खर्च कितना सौ तो इसका मतलब खपत बढ़ानी पड़ेगी बोले हाँ या नहीं कितने बराबर किस आधार पर गुणित कितना सौ ग्यारह सही ही एक बटे नौ परसेंट इज दट क्लियर हो गया भैया अभी तक देखिए कि अभी तक हमने आपसे पूछा कि कितना परसेंट बढ़ानी पड़ेगी कितना परसेंट घटानी पड़ेगी क्लियर हो गया अच्छा जैसे एक क्वेश्चन ऐसे ओरल पूछ लू यहां तक सबको क्लियर हो रहा है ना कोई डाउट नहीं अब मैं आपसे कहूंगा कि एक वस्तु के मूल्य में बीस की कमी कर दी गई तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि वस्तु का मूल्य कितना होगा ले अभी कितना होगा करा एक वस्तु के मूल्य में बीस परसेंट की कमी कर देगी वस्तु का मूल्य कितना होगा करा की खपत में कितना परसेंट वृद्धि करे करनी पड़ेगी जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे खर्च कितना होगा कितना रुपए किलो चीनी है चीनी कितना रुपए किलो कितना रुपए खर्च कर रहा है एक किलो लाएगा या कम या ज्यादा ज्यादा कितने रुपए बराबर ज्यादा किस आधार पर बीस बड़े अस्सी गुणित सौ कोई डाउट कर सकते हैं बहुत अच्छा लगा नेक्स्ट हाँ समझिए इसे अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा अच्छा लेते हैं मैं आपसे कहूंगा एक वस्तु के मूल्य में 20 परसेंट की वृद्धि कर दी गई कितना परसेंट तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए पहले मूल्य कितना था 100 अभी कितना हुआ एक आप लोग सुन रहे बेटा पीछे दोनों देवियां आप लोग भी थोड़ा सा मुख खुल के बोलिए है ना जैसे ऐसे बोली जरूर हाँ देखिए एक चीज और समझ जैसे बोलना बहुत जरूरी है मैंने आपसे कहा बोलने से कॉन्फिडेंस पैदा होता है।, है ना जैसे ये देखिए बोल नहीं रहते लेकिन बोले तो कितना अच्छा बोलने से कॉन्फिडेंस पैदा होता है आप लोग समझ नहीं रहे इस बात को किसी से डरते रहेंगे जैसे कभी आपने देखा बाप से बोल डरते हैं है ना बाप से बोल डरते हैं बोलते नहीं कभी लेकिन बोल देंगे उसके सामने बोलते झिझक खुल जाती है अरे बाप भी तो गलत कर सकता है ना एक्चुअली जानते हैं कि आजकल हम आजकल बड़ा हम लोग ना एक चीज समझे कि हम बहुत डेंजरस जोन में हैं मतलब हम लोग बड़े हमारे ऊपर चारों तरफ से बड़ा प्रेशर है कैरियर का प्रेशर तो ही आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आए दिन माँ की कहानी आए दिन अच्छा सोचे नहीं कि माँ तो माँ होती है अरे माँ तो माँ होती है तो सब जानते हैं बाप बाप नहीं होता क्या और बोलो माँ तेरी मम अरे बाप का छाया बाप का नहीं होता है ना अरे भाई अच्छा मैं बुराई नहीं कर रहा अच्छा देखिए नो डाउट माँ का सम्मान है लोग अच्छा आए दिन कविता कहानी कभी सब फेसबुक पर पोस्ट अरे भाई कभी बाप को भी बताओ नहीं आए दिन की की तो ऐसा नहीं कि मैं का मा माँ के, मा के खिलाफ हूँ लेकिन भाई बाप ने भी तो शुरू से किया है कि फटा जूता पहन के अच्छा अच्छा जूता पहना है अरे ले बोलो तो दोनों का रोल है ना तो केवल माँ को क्यों चढ़ा रहे हो भाई तो कहा तो कहा जाता है कि बीमेन इंपावरमेंट हो रहा है महिला सशक्तिकरण अब देखो महिलाओं महिला, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण आप देखो एक दो तीन महिलाएं आपको देखा आपने देखा होगा कितना ऑटो वाले को पीट दिया क्या क्या कर दिया कुछ हुआ ये बिकॉज ऑफ विमेन इंपावरमेंट महिला सशक्तिकरण अरे भाई महिलाओं में भी पुरुषों में भी सब में सशक्तिकरण चाहिए और सबकी कोलाइजेशन चाहिए कुछ महिलाएं भी दुष्ट होती हैं yes, ताड़का देखिए yes, ताड़का भी तो महिला थी ना yes, फिर भगवान राम ने धूला ले है ना मोरल ऑफ कि yes. चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो दुष्ट हो तो धुला जाए yes, लेकिन नहीं यहां अगर महिला है है और और दुष्ट है तो नहीं धुला जाएगा पुरुष बिना दुष्ट के ही <laughs> नहीं <laughs> हाँ, कभी आपने मतलब बहुत मतलब कैसा जो चल रहा है जोन चल रहा है जैसे मैं कभी मेट्रो में जाता हूं तो जनरली जब मैं अब आजकल में मेरे पास यहां कुछ है नहीं तो मैं मेट्रो में चलता हूं तो जब मैं मेट्रो में चलता हूं तो मैं जनरली मेट्रो सीट पर नहीं बैठता पहले तो मेरी आदत है ठीक ठाक है तो नहीं छोड़ता बुजुर्ग महिला है और थोड़ा सा मान लिया कुछ वैसे है तो मैं छोड़ देता हूं लेकिन देखा ठीक ठाक है नहीं छोड़ता एक दिन एक महिला के लिए सीट छोड़ दिया और बैठी ना तो थैंक यू बोली ना कुछ बोली लगी रही फोन पर मैंने कहा यार

है ना चले हाँ तो अब मैं आपसे यहां कर रहा था समझे मैं आपसे अब बोलेगा मेरे साथ है ना मुंह खोल के बोलना पड़ेगा मैं आपसे एक वस्तु के मूल्य में बीस परसेंट की वृद्धि कर मूल्य बताओ एक सौ जिसके कारण एक उपभोक्ता अपने खर्च में आठ परसेंट की वृद्धि कर देता है खर्च में आठ परसेंट की वृद्धि कर देता है. पहले खर्च कितना था आज कितना हो जाएगा एक सौ अब आपसे पूछेगा बताओ खपत में प्रतिशत परिवर्तन की गणना कैसे तो बताओ खपत कितना परसेंट कम या ज्यादा होगा चीनी कितने रुपए किलो मुखोलो जल्दी से चीनी कितने रुपए किलो कितना रुपए खर्च हो रहा है चीनी एक किलो मिलेगी या कम या ज्यादा एक किलो से कम मिलेगी ज्यादा कम मिलेगी क्यों क्योंकि चीनी कितने रुपए किलो कितना रुपए खर्च करा है एक सौ आठ तो एक किलो से चीनी कम मिलेगी कितने रुपए बराबर कम किस आधार मूल्य पर बारह बटे एक सौ बीस गुड़े सौ दस परसेंट क्लियर मैं आपसे कहूंगा बस ऐसे समझिए बस बहुत अच्छा लगा ऐसे समझिए मैं आपसे कहूंगा एक वस्तु के मूल्य में चालीस परसेंट की वृद्धि कर दी गई कितना मूल्य बताओ जिसके कारण एक उपभोक्ता अपने खर्च में एक उपभोक्ता अपने खर्च में अड़सठ परसेंट की वृद्धि कर देता है कितना परसेंट वृद्धि कर देता है अड़सठ परसेंट की वृद्धि कर देता है चालीस हुआ तो अड़सठ कर दिया अब मूल्य अब खर्च कितना हो गया खपत बतानी है खपत में प्रसुद्ध परिवर्तन बताना है चीनी कितने रुपए किलो चीनी कितने रुपए किलो कितना खर्च कर रहा है तो अब बताइए खपत बढ़ेगी या बढ़े घटेगी क्योंकि चीनी एक रुपए किलो खर्च कितना कर रहा है एक सौ एक किलो से ज्यादा चीनी मिलेगी कितने रुपए बराबर ज्यादा मिलेगी किस आधार पर दिमाग तो तेज ही है एक वस्तु के मूल्य अच्छा तो वस्त में दस परसेंट की कमी कर दी गई बोलो मूल्य कितना बहुत अच्छा लगा जिसके कारण एक उपभोक्ता अपने खर्च में आठ परसेंट की वृद्धि कर देता है तो खर्च बताइए कितना हो गया एक अब मैं आपसे पूछूंगा कि खपत में प्रसत परिवर्तन बताना है तो चीनी चीनी कितने रुपए किलो कितना रुपए खर्च कर रहा है एक किलो मिलेगी या ज्यादा कितने रुपए बराबर ज्यादा किस आधार मूल्य पर गुड़ित कितना अठारह दस दूनी बीस परसेंट हाँ या नहीं एक वस्तु के मूल्य में बीस परसेंट की कमी कर दी गई कितना परसेंट बहुत अच्छा लगा जिसके कारण एक उपभोक्ता अपने खर्च में बारह परसेंट की वृद्धि कर देता है खपत में प्रसत परिवर्तन बताना है चीनी कितने रुपए किलो खर्च कितना कर रहा है एक सौ चीनी एक किलो मिलेगी या ज्यादा कितने रुपए बराबर ज्यादा बहुत अच्छा किस आधार पर गोड़ेद कितना तो। आठ सौ के बत्तीस दस चौकी अब आप लोग स्पॉर्ट हो गए इसका मतलब ना हो गया हो गया दो तीन क्वेश्चन लिख लीजिए हो गया देखिए सॉल्व लिखे जल्दी से दो तीन क्वेश्चन लिखेगा एक वस्तु के मूल्य में फटाफट जल्दी लिखे एक वस्तु के मूल्य में, वस्त में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई एक वस्तु के मूल्य में 20 प्रतिशत की क्या कर दी गई वृद्धि कर समझ ज्यादा हो गया क्या आप लोग बताए इसके पार, इसके बाद कोई क्लास है क्या भैया yes तो छोड़ना पड़ेगा ना yes लिख लीजिए लिख ली। तो आप लोग बताए भी नहीं लिखिएगा एक वस्तु के मूल्य में <coughs> बीस परसेंट की वृद्धि कर दी गई जिसके कारण एक उपभोक्ता एक वस्तु के मूल्य में बीस प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई जिसके कारण एक उपभोक्ता अपने खर्च में अपने खर्च, खर्च में बत्तीस प्रतिशत की वृद्धि कर देता है बत्तीस प्रतिशत की वृद्धि कर देता है तो खपत में प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए इंग्लिश में लिखेगा प्राइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेजेज प्राइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेजेज बाय 20 परसेंट ड्यू टू विच अ कंज्यूमर रेजेज हिज एक्सपेंडिचर ड्यू टू विच अ कंज्यूमर रेजेज हिज एक्सपेंडिचर ऑन इट बाय 32 परसेंट Then calculate the percentage changes in consumption of object, है ना हिंदी में क्या लिखा एक वस्तु के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई जिसके कारण एक उपभोक्ता अपने खर्च में बत्तीस प्रतिशत की वृद्धि कर देता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी क्लियर ऐसे ओरल इसका आंसर बताइए फिर लिखकर करेंगे चीनी का मूल्य ऐसे चीनी का अब मूल्य बताओ सबका नजर ऊपर ऐसे बोलो, बोलो चीनी का अब मूल्य कितना हो गया एक सौ बीस खपत खर्च कितना कर रहा है एक सौ बत्तीस चीनी कितने रुपए किलो कितना रुपए खर्च कर रहा है ज्यादा मिलेगी कितने रुपए बराबर किस आधार मूल्य पर कितना सो. कितना परसेंट दस बहुत अच्छा क्लियर हाँ ऐसे करना है तो एक सौ बीस और एक सौ यही ना खपत क्या होगी बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा ना कितने रुपए बराबर बारह बार? 120 के आधार पर गुणित कितना 100. क्लियर yes, yes, 10%. परसेंट yes. बस करें yes, आगे के आगे क्वेश्चन कल करेंगे है ना yes, देखिए एक चीज और पता नहीं आप, आप लोग क्या कर रहे हैं लेकिन